सो वेरी गुड आफ्टरनून गाइज कैसे हो सब लोग क्या हाल चाल गाइज सो क्विकली रिप्लाई कीजिएगा अबाउट ऑडियो वीडियो क्वालिटी इज इट ऑल गुड ऑल प्रॉपर शुड वी स्टार्ट गाइज वेरी गुड आफ्टरनून ऑल फटाफट से कनेक्ट कीजिएगा एंड रिप्लाई कीजिएगा गाइज अबाउट ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी शुड वी प्रोसीड जी हाँ वेरी गुड आफ्टरनून स्नेहा जी बाकी लोग फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा इज इट ऑडिबल uh, जी हाँ वेरी गुड आफ्टरनून मेघा जी ऑडियो क्वालिटी चेक करो गुड आफ्टरनून यश यश जी ऑडियो क्वालिटी चेक करो फटाफट से शुड वी स्टार्ट चलिएगा सो गाइज सबसे पहले तो जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का वहाँ पे आपको पी में नोट्स दिया हुआ है फटाफट से जो है वो नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स डाउनलोड कीजिएगा एंड रिप्लाई कीजिएगा जी हाँ नोट्स डाउनलोड कीजिएगा रिप्लाई कीजिएगा नोट्स ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है आज का जो पी है जो आज हमें लगने वाला है वो मैंने डिस्क्रिप्शन uh, में दिया हुआ है आप फटाफट से डाउनलोड कीजिएगा रिप्लाई कीजिएगा जी क्या आप सब लोगों को नोट्स डाउनलोड किया आप लोगों ने गाइस वेटिंग फॉर योर रिप्लाई डन ओके चलेगा सो वेरी गुड आफ्टरनून गाइज़ वेलकम टू द सेकेंड सेशन सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो भी कुछ कंसेप्ट कम्प्लीट किया है थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट जो हमने कम्प्लीट किया है वो फटाफट -फड़ से रिवाइज करते हैं देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट जी हाँ गाइज बॉयज़ एंड गर्ल्स आपके सामने जो पी डी एफ है वो पी डी एफ में आप देख सकते हो गाइज ये सारे जो कंसेप्ट हमने कल किया था वो फटाफट -फड़ से रिकॉर्ड कर लेते हैं जी हाँ बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट इफ यू रिमेंबर बोलते रहिएगा वट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट सर जी कॉस्ट क्या था मॉनिटरी सेक्रीफाइस इज डन टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव कैन बी मैन्युफैक्चर द गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस ठीक है सो कॉस्ट कैन बी यू कैन से कॉस्ट इज अ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ठीक है टू प्रोड्यूस द गुड्स या फिर एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोवाइड द सर्विस इतना सिंपल डेफिनेशन था आपका कॉस्ट का बढ़ते हैं आगे सर जी सेकंड डेफिनेशन हमने देखा था वो था आपका कॉस्टिंग का ठीक है टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ये हमने डेफिनेशन कल देखा था इसके बाद गाइज हमारा तीसरा और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है ऐसे कुछ तो भी हम लोगों ने कल सीखा था तो स्टार्ट कहाँ पे होता है सर जी स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर और खत्म होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट ठीक है सर जी वो रिपोर्ट से आपको क्या मिलेगा पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड पीरियोडिकल रिपोर्ट जो आप बनाते हो उससे आपको क्या हासिल होगा सर जी टू एसरटेन एंड कंट्रोल द कॉस्ट एंड में क्या था गाइज आपका टू एसरटेन एंड कंट्रोल द कॉस्ट फॉर एसरटेनिंग एंड कंट्रोल द कॉस्ट जी हां सर याद आ रहा है अच्छे से इसके बाद गाइज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग देखा था बिल्कुल सिंपल था पहले तीन पॉइंट तो बिल्कुल 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 आसान था पहला पॉइंट क्या था उसके अंदर गाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ठीक है एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट ईच जॉब ईच सर्विसेज ठीक है ईच प्रोसेस एक्सेट्रा सेकेंड पॉइंट क्या था एसरटेनमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट ईच सर्विसेज ईच एक्टिविटी ईच प्रोसेस एक्सेट्रा सेलिंग प्राइस जनरली हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं तो कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड कर दिया सेलिंग प्राइस आ जाएगा तीसरा पॉइंट क्या था तीसरे पॉइंट के अंदर हमने देखा था एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट सर जी प्रॉफिट फाइंड करना है हर एक प्रोडक्ट का हर एक सर्विसेज का हर एक एक्टिविटी का ओके okay, हर एक प्रोसेस का सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट तो पहला तीन पॉइंट बहुत ही ज्यादा सिंपल था कॉस्ट कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया एंड प्रॉफिट एसरटेन किया पॉइंट नंबर फोर हमने देखा था गाइज एस द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट को थोड़ा डिसीजन लेने में हेल्प कीजिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग का ये जो है वो ऑब्जेक्टिव है तो गाइज़ ये क्या आपने आ, आ, कल के लेक्चर के अंदर हमने कुछ डिसीजन देखे थे डिसीजन था कंटिन्यू करना है शट डाउन करना है डिसकंटिन्यू करना है प्रोडक्ट सर so जी प्रोडक्ट का जो है वो मिक्स अल्टर करना है हायर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ज़्यादा हम लोगों को सेल करना है तो ये सारे डिसीजन जो है वो हम लोगों ने लिया था विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग नेक्स्ट पॉइंट था गाइज अगर आपको याद आ रहा है वो था आपका कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल के चार पॉइंट पहला क्या था? पहले आपको टू सर जी एक्चुअल किया एक्चुअल किया स्टेप नंबर थ्री कंपेयर किया स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल हम लोगों ने कंपैरिजन किया और अगर कुछ डिफरेंस है तो डिफरेंस का नाम अगर आपको याद आ रहा है जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा गाइस स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाँ जी सर जी स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट में जो भी कुछ डिफरेंस है वो एक स्पेसिफिक वर्ड मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था क्या आपको वो वर्ड याद है गाइस क्या आपको वो वर्ड याद है जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट के अंदर जो भी कुछ डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं लास्ट वेरी गुड सर जी यश जी इनका मुझे क्विकली रिप्लाई आया है सर वेरिएशन जिसको हम लोग वराय बोलते हैं सर जी डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट एंड लास्ट स्टेप था सर जी कॉस्ट कंट्रोल के अंदर यूल हैल एक्शन आपको कुछ रेमिडियल एक्शन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ वरायसेस ठीक है डेविएशन कौन है कुश जी इन्होंने भी मुझे करेक्ट आंसर दिया शुभम जी ने भी करेक्ट आंसर दिया आदित्य जी ने भी करेक्ट आंसर दिया जी आर वेरी गुड गाइड जो भी कुछ डिफरेंस है स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट में उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे वराय डेविएशन डिफरेंस एक्सेट्रा और उसके बेसिस पे आपको कुछ मैनेजरियल एक्शन लेना है ठीक है और लास्ट आगा इज आपका कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बस इतना ही मैंने कल आपको बताया था कॉस्ट रिडक्शन इज रियल एंड परमानेंट ठीक है कॉस्ट कंट्रोल टेम्पररी था शॉर्ट टर्म था लेकिन कॉस्ट रिडक्शन जो है वो रियल एंड परमानेंट है तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग था उसके बाद हम लोगों ने एक खुंखार एक जबरदस्त वाला एक टेबल हम लोगों ने चेक किया था और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था ये टेबल हमने अपने नोटबुक के अंदर लिखा भी था इसको जी हाँ ये टेबल क्या है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जी हाँ अगर आपको कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करना है या फिर अगर आपको कोई सर्विस देना है तो कैसे आपको एक्सपेंडिचर लगने वाला है आपको कॉस्ट इनकर होने वाला है ठीक है तो वो कॉस्ट जो इनकर हुआ है एक्सपेंडिचर जो हुआ है उसको हम लोग ब्रॉडली तीन कैटेगरी के, के अंदर डिवाइड कर सकते हैं आधर आपका जो एक्सपेंडिचर हुआ है आपका जो कॉस्ट लगा हुआ है वो मटेरियल खरीदने में कॉस्ट लगा रहेगा या फिर सेकंड सर जी आपको सैलरी या फिर वेजेस या फिर एम्प्लॉय को आपने कोई रेम्यूनरेशन पे किया तो एम्प्लॉय कॉस्ट आपको लग सकता है वेजेस एंड सैलरी ठीक है अगर मटेरियल भी नहीं है वेजेस एंड सैलरी भी नहीं है फिर भी आपको वो कॉस्ट लगा है तो उसको हम लोगों ने तीसरे कैटेगरी के अंदर डालना है और वो तीसरा कैटेगरी था हमारा एक्सपेंडिचर क्या था गाइज आपका एक्सपेंडिचर ठीक है तो याद रखियो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है जो मटेरियल नहीं है जो लेबर नहीं है तो बाकी बचा जो भी कुछ खर्चा आपने किया हुआ है जो भी कुछ कॉस्ट आपको लगा हुआ है उसको हम लोग तीसरे कैटेगरी के अंदर डालेंगे वो था आपका एक्सपेंसेस उसके बाद गाइज सब कैटेगरी मटेरियल एम्प्लॉई एंड गाइस आपका जो एक्सपेंसेस है उसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में और डिवाइड किया था पहली कैटेगरी था डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटीरियल एम्प्लॉय कॉस्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसमें से गाइज जिसमें से हम लोगों ने एक्सपेंसेस का पार्ट हमारा बाकी है डिस्कस करना लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा थोड़ा हमने जाना डायरेक्ट मटेरियल क्या है इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है डायरेक्ट लेबर क्या है और इनडायरेक्ट लेबर क्या है इफ यू रिमेंबर गाइस ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था नाउ गाइस मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां कहा पे जाता है चलो फटाफट -फड़ से अगर आपको याद है कल हम लोगों ने चार्ट भी बनाया था जल्दी से रिप्लाई करेंगे आप डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन तीनों का मिला के आउटकम क्या होगा ये तीनों को आप कहाँ पे फर्दर क्लासिफाई करेंगे जी हाँ मुझे सबसे पहला आंसर आया है यश जी का शुभम जी का सुष्मिता जी का जी हाँ और आप सब लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया हुआ है ये जाएगा मालिक आपका प्राइम कॉस्ट के अंदर सो so, बहुत अच्छे से आपको याद आ रहा है डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको क्लासीफाई करने का है प्राइम कॉस्ट के अंदर वैसे ही फटाफट से आंसर दीजिएगा इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको कहां पे क्लासिफाई करना है मालिक इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको आप कहां पे क्लासिफाई करेंगे जल्दी से आप आंसर दीजिएगा मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का गाइस जी हाँ शुभम जी ने मुझे सबसे पहले आंसर दिया है वो आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा ओवर के अंदर जी हाँ कहा क्लासीफाई करना पड़ेगा ओवरहेड्स के अंदर क्लासिफाई करना पड़ेगा परफेक्ट है अमन जी यश जी आदित्य जी विनीता जी सुष्मिता जी जी हाँ शुभम जी ये सारे ने मुझे correct answer दिया है Sir, indirect material, indirect labor, indirect expenses जो है जो वो आपको overheads के अंदर क्लासीफाई करना है और भूले तो नहीं गाइज ओवरहेड को हम लोग तीन या फिर चार कैटेगरी के, के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं गाइज वो ओवरहेड की चार कैटेगरी कौन सी थी सबसे पहला कैटेगरी था सर जी आपका फैक्ट्री ओवरहेड जिसको नाम दे सकते हैं गाइज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जिसको नाम दे सकते हैं मालिक तो है, है, आप प्रोडक्शन ओवरहेड एक और नाम दे सकते ऑफिस ओवरहेड ठीक है तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस ओवर इसके बाद गाइज आपका तीसरा कैटेगरी था सेलिंग ओवर ठीक है और लास्ट कैटेगरी था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लास्ट कैटेगरी था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गाइज आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जनरली क्लब कर सकते हो या फिर आपने अलग लिखा तो भी चलेगा ओके okay. तो so uh, को आपने ये तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओके अब आगे बढ़ते गाइज इसके बाद हम लोगों ने कुछ एनालिसिस देखा था डायरेक्ट मटीरियल क्या है जी हाँ इसके बाद हम लोगों ने देखा था गाइज बॉयज एंड गर्ल्स डायरेक्ट मटेरियल क्या है कुछ डिसाइडिंग फैक्टर जो आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट मटीरियल इफ यू रिमेंबर मटीरियल विच इज प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए एंड तीसरा जिसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कांस्टेंट है आइडेंटिफाइबल है वो सारे मटेरियल जो है वो आपके डायरेक्ट मटेरियल है हमने एग्जांपल भी देखा हमने एग्जांपल भी देखा सर फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है तो सर फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट मटीरियल आएगा सर जी लेमिनेट वुड आयन एंड स्टील कलर स्क्रू नट नटबोर्ड्स एक्सेट्रा तो ये सारे आपके डायरेक्ट मटीरियल आएंगे क्यों रीजन क्या है डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज हुआ है पॉइंट नंबर टू सर जी वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है पॉइंट नंबर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कांस्टेंट है इफ यू रिमेंबर कल मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था एक बेंच मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको दस के का कुछ आयन एंड स्टील लगता है जी हां एक बेंच मैन्युफैक्चर करने के लिए दस के का आयन एंड स्टील लगता है सर ये इनपुट आउटपुट रेशियो कॉन्स्टेंट है तो अगर आपको 10 बेंचेस मैन्युफैक्चर करना है तो 100 के का जो है वो आपको मटेरियल लगेगा 100 बेंचेस मैन्युफैक्चर करना है तो 1000 थाउजेंड के का जो है वो आपको आई एंड स्टील लगेगा तो मतलब ये हुआ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप रेशियो जो है वो आपका कॉन्स्टेंट है एंड आइडेंटिफाइबल है ओके okay गाइस तो ये था आपका डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट मटीरियल को क्लासीफाई कहा पे किया था तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है डायरेक्ट मटीरियल जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट के अंदर ये पूरा डिस्कशन हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल का लास्ट लेक्चर के अंदर किया हुआ था सो so गाइज आगे बढ़ते हैं हमने कल नेक्स्ट पॉइंट भी कवर किया था वो था आपका इनडायरेक्ट मटेरियल जो मटेरियल डायरेक्ट नहीं है उसको आप क्लासीफाई करेंगे इनडायरेक्ट मटीरियल के अंदर तो so गाइज क्या डिसाइडिंग फैक्टर क्या है इफ यू रिमेंबर गाइज इसका डिसाइडिंग फैक्टर है पॉइंट नंबर वन मटेरियल इनडायरेक्टली यूज इनटू द प्रोडक्शन और मटेरियल नॉट डायरेक्टली यूज इनटू द प्रोडक्शन मटीरियल इज नॉट प्रेजेंट इन टू द फाइनल प्रोडक्ट वो मटीरियल फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं दिखता है हो गया। तो और कॉन्स्टर्ट नहीं, नहीं है ये आएगा आपका इनडायरेक्ट मटीरियल इनडायरेक्ट मटीरियल कहां पर जाएगा तो ओवर के अंदर जाएगा तो कौन से ओवर के अंदर जाएगा ये डिसाइड कौन करता है सर आपने वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहां पे कंज्यूम किया है वो इनडायरेक्ट मटेरियल आपको अगर फैक्ट्री के अंदर लगा है तो फैक्ट्री ओवररेट्स में जाएगा वो इनडायरेक्ट मटेरियल अगर आपको ऑफिस के अंदर यूज किया है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवर के अंदर जाएगा वो इनडायरेक्ट मटेरियल अगर आपने सेल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया है तो वो जाएगा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू ठीक है इसके बाद सर जी हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इफ यू रिमेंबर गाइज डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में क्या था सर सर वर्कर विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट जी हाँ सही सुना आपने जो वर्कर रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं वो सारे वर्कर जो है वो डायरेक्ट वर्कर है सेकेंड पॉइंट हमने देखा था सर जी डायरेक्ट वर्कर का जो काम वर्क कैन बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट जी हाँ फर्नीचर इंडस्ट्री में डायरेक्ट वर्कर कार्पेंटर है ये ऑब्वियसली अगर आपने बेंच परचेस किया है अगर आपने चेयर परचेज किया है अगर आपने कबर्ड परचेस किया हुआ है टेबल परचेस किया है तो ऑब्वियसली वो जो कारपेंटर है उसका काम दिख रहा है अच्छे से कटिंग किया हुआ है मोल्डिंग किया हुआ है पेस्टिंग किया हुआ है फिनिशिंग किया हुआ है ठीक है तो डायरेक्ट वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ठीक है सेकेंड पॉइंट हमने देखा गाइज जो उसका काम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर दिखता है जो रॉ मेटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है एंड 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 जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्राइम कॉस्ट यह आपको प्राइम कॉस्ट के अंदर क्लासीफाई करना है चलिए इसके बाद हम लोगों ने देखा था इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर क्या है सर जी इनडायरेक्ट लेबर यानी वो वर्कर जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं करता है इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है वो प्रोडक्शन में या सेल में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है जिसका काम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं दिखता है क्योंकि उसने कन्वर्ट ही नहीं किया रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर तो ये आएगा आपका इनडायरेक्ट वर्कर और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जाएगा आपका ओवरहेड्स के अंदर कौन से ओवरहेड्स में आपको ये चेक करने का है उसने काम कहां पे किया है अगर इनडायरेक्ट वर्कर ने फैक्ट्री के अंदर काम किया है तो फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस के अंदर काम किया है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सर सेल करने के लिए उसने काम किया तो सेलिंग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए काम किया तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आपको उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा जी हाँ गाय सो so, यहां तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था आई होप सो सब लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से रिकॉल हो गए हैं बोलिए या ना सर कैन वी गो फर्दर गाइज क्या अब आप रेडी हो गाइज आज के लेक्चर के लिए हम लोगों को आज बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कवर करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है फैक्ट्री ओवर में कौन से आइटम आएंगे ऑफिस ओवरहेड में कौन से आइटम आएंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से आइटम आएंगे उसके बाद एक जबरदस्त वाला पार्ट रहेगा चलेगा कैन वी स्टार्ट गाइज नेक्स्ट पॉइंट चलिएगा काफी सारे स्टूडेंट जी हां यस सर वी कैन वी आर रेडी सर चलो सो गाइज बॉज इन गर्ल्स ध्यान से सुनियो ध्यान से सुनियो अगला जो हमारा पार्ट है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस चलिए पूरा कंसंट्रेशन यहां पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन पॉइंट नंबर वन एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन सर जी प्रोडक्शन का एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है अच्छा रिलेशनशिप का मतलब सर हमने देखा था नो no रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप याद है ना सर थोड़ा इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोगों ने देखा था तो गाइज प्रोडक्शन का एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है वही प्रोपोर्शन में तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है अगर आपका प्रोडक्शन कम होता है और एक्सपेंसेस भी वही प्रोपोर्शन में कम होता है तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो रिमेंबर गाइस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन बढ़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ेगा प्रोडक्शन अगर कम होएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कम होएगा ठीक है तो ये था गाइस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना कुछ एग्जाम्पल जी हाँ जी गाइस कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं बहुत अच्छे से सुनना गाइज एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सुनना एग्जाम्पल इज दैट गाइज सपोज मैं आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं ध्यान से सुनना का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं ठीक है जैसे मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन लेक्चर में या फिर लास्ट लेक्चर के अंदर नोट्स का वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया है तो मैं आपको जो है वो कॉस्टिंग के नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं ठीक है सर ऑब्वियसली कॉस्टिंग के जो नोट्स है उसके ऊपर वी स्मार्ट अकेडमी का लोगो रहेगा कॉस्टिंग का जो नोट्स है वो वी स्मार्ट अकेडमी के थ्रू आप तक पहुंचेगा आपने जो एडमिशन लिया हुआ है वो वी स्मार्ट एकेडमी में एडमिशन आपने लिया हुआ है ठीक है तो सर जी पॉइंट इज दैट ध्यान से सुनियो सर जी ये जो नोट्स है इसमें मेहनत जो है इसमें जो कंटेंट जो है उसमें जो डिजाइनिंग है क्वेश्चन सिलेक्शन जो है ठीक है फॉर्मेटिंग जो है वो पूरी मेरी मेहनत है पूरा जो मेहनत है वो मेरा है राइट right, गाइस लेकिन इसको प्रिंट कौन कर रहा है तो इसको प्रिंट कर रहा है वी स्मार्ट एकेडमी जी गाइस इसको प्रिंट कौन कर रहा है तो इसको प्रिंट कर रहा है वी स्मार्ट एकेडमी तो गाइज बहुत सारे गर्ल्स अगर कोई स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट मेरा नोट्स परचेज करते हैं सिर्फ नोट्स क्योंकि सर इतना एक्सटेंसिव नोट्स नहीं मिलता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को बाद में पता चलता है ठीक है कि इनका नोट्स बहुत जबरदस्त है तो वो बाद में परचेज करते हैं तो ध्यान से सुनियो सर जी ये जो नोट्स है ये नोट्स का प्राइस है टू थाउजेंड अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ मेरा नोट्स परचेस करना है ठीक है तो उसका प्राइस है टू थाउजेंड रुपीज स्टूडेंट वी स्मार्ट अकेडमी जाएगा एंड वी स्मार्ट अकेडमी से ये नोट्स परचेस करेगा टू थाउजेंड रुपीज पे करेगा लेकिन सर प्रिंट कौन कर रहा है सर जी प्रिंट कर रहा है वी स्मार्ट प्रिंटिंग कर रहा है वी स्मार्ट अकेडमी मैंने पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दिया वी स्मार्ट अकेडमी को लेकिन पॉइंट इज दैट सर एक नोट्स के पीछे वी स्मार्ट अकेडमी मुझे यानी दर्शन चंडालिया डीसी को थर्टी परसेंट कमीशन पे करता है थर्टी परसेंट रॉयल्टी पे करता है जी हाँ गाइस ध्यान से सुनिएगा आपका जो क्वेरी है ठीक है गाइस वो क्वेरी मैं एंटरटेन करूंगा जस्ट मुझे एक पांच मिनट पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने दीजिएगा एक स्टूडेंट का क्वेरी आया अल गेट बैक टू दैट क्वेरी ठीक है एक पांच मिनट दीजिएगा सर शायद ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद आपका क्वेरी भी निकल जाए ध्यान से सुनिएगा गाइज तो गाइज वी स्मार्ट अकेडमी के पास स्टूडेंट गए स्टूडेंट ने दो हजार रुपए का नोट परचेस किया ठीक है प्रिंट किया था वी स्मार्ट अकेडेमी ने खर्चा लगा था वी स्मार्ट को एंड गाइज स्मार्ट अकेडमी दर्शन चंडालिया को थर्टी परसेंट इस पर कमीशन पे कर रहा है रॉयल्टी पे कर रहा है क्योंकि पूरा मेहनत नोट्स का फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा पूरा मेरा था तो गाइज मुझे जो है वो सिक्स हंड्रेड रुपीज जो है सिक्स हंड्रेड रुपीज मुझे मिल गया गाइज वी स्मार्ट अकेडमी से ठीक है गाइज अब ध्यान से सुनिएगा वी स्मार्ट अकेडमी के लिए वी स्मार्ट एकेडमी के लिए ये जो तीन रुपए का रॉयल्टी पे किया है दर्शन चंडालिया को ये रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्यों डायरेक्ट एक्सपेंसेस है गाइस अब जो है वो दस स्टूडेंट आते हैं ठीक है इधर इधर घूम के ये वो क्लास करके आते हैं दस स्टूडेंट आते हैं और दस स्टूडेंट ने मेरा नोट्स परचेस किया तो गाइस दस स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय दो हजार रुपए स्मार्ट अकेडमी का जो कलेक्शन हो रहा है वो ट्वेंटी थाउजेंड का कलेक्शन हो रहा है ठीक है इमीडिएटली वी स्मार्ट अकेडमी ने थर्टी मुझे पास ऑन कर दिया बच्चों थर्टी यानी कितना हो गया सिक्स थाउजेंड हो गया क्या सिक्स थाउजेंड हो गया क्या जी गाइज तो सिक्स थाउजेंड रुपीज है वो वी स्मार्ट अकेडमी ने मुझे पास ऑन कर दिया तो गाइज वी स्मार्ट अकेडमी ने दर्शन चंडालिया को रॉयल्टी पे किया क्या पे किया है रॉयल्टी पे किया हुआ है गाइज तो आर यू गेटिंग द पॉइंट रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेज फॉर वी स्मार्ट अकेडमी बोलेगा या ना अगर नंबर ऑफ नोट्स का प्रिंटिंग बढ़ता है ठीक है नंबर ऑफ नोट्स का प्रिंटिंग बढ़ता है तो मेरा रॉयल्टी का इनकम बढ़ जाएगा सर और वी स्मार्ट अकेडमी का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा सर क्योंकि हर नोट्स के पीछे मुझे उनको थर्टी परसेंट का जो है वो रॉयल्टी पे करना पड़ेगा अगर हंड्रेड स्टूडेंट आता है तो आप ही चेक करो ना गाइस अगर हंड्रेड स्टूडेंट ने मेरा नोट्स परचेस किया मल्टीप्लाइड बाय टू थाउजेंड अच्छो टू लैख रुपीज का जो है वो कलेक्शन आ गया मेरे अकाउंट के अंदर इमीजिएटली थर्टी परसेंट पास ऑन कर देगा वी स्मार्ट एकेडमी यानी सिक्सटी थाउजेंड रुपीज आई थिंक सो so. कैलकुलेशन देख लेना मैं ओरली कर रहा हूं भाई सिक्सटी तो थाउजेंड जो है वो मेरे अकाउंट के अंदर आएंगे यानी जितने ज्यादा नोट स्मार्ट अकेडमी प्रिंट करेगा उतना ज्यादा रॉयल्टी उसको मुझे पे करना पड़ेगा तो वी स्मार्ट अकेडमी के लिए रॉयल्टी इज डायरेक्ट एक्सपेंसिस बोलो या ना बोलो या ना सर यस और नो इज इट क्लियर और नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसिस समझ में आया नहीं आया जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा नंबर ऑफ नोट्स अगर बढ़ता है तो मुझे रॉयल्टी ज्यादा पे करेगा वी स्मार्ट इज इट क्लियर क्लियर जी हाँ अगर नोट्स कम प्रिंट करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वी स्मार्ट एक्सपेंसिस को कम आएगा चलेगा क्लियर है ओके वेरी गुड गाइस सो ये था एक, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं गाइस देखो आपको समझ में आता है क्या गाइस फर्नीचर का मेरा फैक्ट्री है ठीक है मैं फर्नीचर बनाता हूं टेबल बनाता हूँ चेयर्स बनाता हूँ तो सर जी ये जो टेबल और चेयर है इसमें आयन एंड स्टील लगा हुआ है ठीक है आयन एंड स्टील को ठीक है पेंटिंग करने का जो भी कुछ गाइज इक्विपमेंट है वो मेरे फैक्ट्री के अंदर नहीं है आई रिपीट ठीक है सर जी ये जो चेयर टेबल बेंचेस बना रहे हैं चेयर टेबल बेंचेस बना रहे इसमें ये जो आयन एंड स्टील का मटेरियल लगा हुआ है ठीक है सर मेरा ड्राइंग बहुत ही बकवास है प्लीज आप आ, आ, मैनेज कर लेना सर हाँ सर ये जो आयन एंड स्टील का जो मटेरियल लगा हुआ है उसको कलर करने का सर जी मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है बिल्कुल नहीं है सर तो मेरे पास वर्कर लोग क्या करते हैं ये फर्नीचर का वगैरह फिटिंग वगैरह कर देते हैं कटिंग वगैरह कर देते हैं फिर ये जो आयन एंड स्टील है ये जाता है मेरे बाजू वाले फैक्ट्री के अंदर जहां पे इसको कलर करना पड़ता है और कलर करके वापस मेरे पास आ जाता है ठीक है आर यू गेटिंग द पॉइंट टेबल चेयर बेंचेस तो बनाता हूं लेकिन कलरिंग का काम मेरे यहां पे होता नहीं है सर तो कलरिंग के लिए मेरे बाजू में एक फैक्ट्री है वहां पे कलर एनोडाइज बोलते हैं इसको कलर एनोडाइजिंग का काम मेरे बाजू वाले फैक्ट्री के अंदर होता है सर तो मैं मेरे जो भी कुछ सर आयन एंड स्टील का मटेरियल है वहां पे भेजता हूँ वो मस्त पैके वहां पे कलर करके वापस मेरे फैक्ट्री के अंदर भेज देते हैं ऑब्वियसली फुकट तो नहीं करेगा ना है हाँ ना सामने वाला ये जो काम है वो फुकट तो नहीं करेगा कुछ तो पैसे चार्ज करेगा अब ध्यान से सुनियो मैं एक बेंच बेचता हूँ चार हजार रुपए में और सामने वाला जो कलर करके दे रहा है वो फोर हंड्रेड रुपीज एक बेंच को कलर करने के लिए ले रहा है सर जी इसको बोलते सब कॉन्ट्रैक्टिंग इसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग सर बेंचेस का ऑर्डर मुझे आया था लेकिन पूरा बेंच मैंने नहीं कंप्लीट किया है उसमें से कुछ हिस्सा मैंने कंप्लीट किया है कलरिंग का हिस्सा जो है वो किसी और ने कंप्लीट किया तो मैंने आउटसोर्स कर दिया ये कलरिंग का काम मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ये कलरिंग का काम तो गाइस बॉयज एंड गर्ल्स मेरे कंपनी के लिए ये जो आउटसोर्सिंग का फीस है चार सौ रुपए ये जो गाइज सब कॉन्ट्रैक्टिंग का फीस है ये मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जितने ज्यादा बेंचेस में कलरिंग के लिए भेजूंगा आई रिपीट जितने ज्यादा बेंचेस में कलरिंग के लिए भेजूंगा उतना ज्यादा सामने वाले से फोर हंड्रेड रुपीज का जो है वो मुझे बिल आते जाएगा जी हां अब मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेरी पूछा सर वो तो आपके टोटल कॉस्ट में आएगा ना लेकिन यस ऑब्वियसली सर तो सर मेरे कंपनी का नाम है सपोज डीसी ओके आपके कंपनी का नाम है सर जी जहाँ पे कलरिंग होता है पंकज पी एस जी हाँ पंकज जी सो पंकज जी सैनी ये आपके कंपनी का नाम है ठीक है सर ध्यान से सुनिएगा तो डीसी यानी मैं मैंने बेंच कलरिंग के लिए आपके यहाँ पे भेज दिया सो जैसे ही बेंच वापस आया मेरे को मैंने आपको चार सौ रुपये पे किया तो आपने बराबर तो लिखा है ना सर कॉस्ट है ना ये मेरे लिए डीसी कंपनी के लिए चार सौ रुपये का कॉस्ट लगा हुआ है तो ये कौन सी कॉस्ट है भाई ये जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जितने ज्यादा बेंचेस डीसी इंडस्ट्री पीएस इंडस्ट्री को भेजेगा उतना ज्यादा उसको आउटसोर्सिंग का कॉस्ट लगेगा उतना ज्यादा उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग का पेमेंट करना पड़ेगा से फॉर सर जी दस, बेंचेस का मेरे पास आया, दस बेंच मैंने बनाया कलरिंग के लिए सर जी पंकज जी इनके फैक्ट्री के अंदर मैंने भेज दिया तो उन्होंने कलर करके मुझे वापिस भेज दिया तो चार एक बेंच के हिसाब से चार मुझे पे करना पड़ेगा पंकज जी के फैक्ट्री को तो चार मेरे कम कंपनी का क्या हो गया सर खर्चा तो हुआ ना एक्सपेंडिचर हुआ ये ये कौन सा एक्सपेंडिचर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कौन सा है, मालिक? है। जितने बेंचेस में भेजूंगा उतना मुझे डायरेक्ट uh, एक्सपेंसेस है, तो है, है। so, क्लियर हुआ रहेगा बोलो हा या ना? क्वेरी था ही नहीं। आपने बराबर लिखा था एक्सपेंडिचर है आपने तो बराबर लिखा था पंकज जी एक्सपेंडिचर है आप मेरे कंपनी के लिए तो वो एक्सपेंडिचर है ना बॉस लेकिन वो कौन सा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है गाइस लेट्स गेट्स बैक टू अवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस पार्ट चलो सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है मालिक ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ओ हो क्या बोला सर इन्होंने इन्होंने बोला सर सर जी जो डायरेक्ट कॉस्ट है जो डायरेक्ट कॉस्ट है मटेरियल नहीं है लेकिन वो और लेबर भी नहीं है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर छोड़ के जो भी कुछ डायरेक्ट कॉस्ट लगा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ओके इट वेरीज डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन सर ऑलरेडी बताया आपको सर जी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस का और प्रोडक्शन का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रोडक्शन बढ़ेगा नोट्स का प्रिंटिंग बढ़ेगा रॉयल्टी बढ़ेगा बेंचेस बढ़ेगा तो गाइस सब कॉन्ट्रेक्टिंग चार्जेस बढ़ेगा आउटसोर्सिंग चार्जेस बढ़ेगा तो इट्स डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन चलिए इसके बाद सर जी एग्जाम्पल दो जो एग्जाम्पल मैंने दिए वो यहां पे है प्रेजेंट रॉयल्टी जॉब चार्जेस ठीक है हायर चार्जेस फॉर द मशीन जॉब चार्जेस और हायर चार्जेस गाइस एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं आपको और क्लैरिटी आएगा गाइस क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जानना बहुत जरूरी है एवरीवन नाउ प्लीज कंसंट्रेट आपको रिप्लाई करना है मालिक हा या ना मैं करेक्ट बोल रहा हूं या मैंने गलती किया हुआ ये आप मुझे बताएंगे आप ऑनलाइन लेक्चर देखने वाले हो ठीक है जो फेस टू फेस में है वो तो छोड़ दीजिएगा लेकिन जो लोग ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग या फिर गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मेरा परचेस किया हुआ है तो गाइज ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कल बताया आफ्टर आफ्टर लेक्चर लेक्चर सारे के सारे लेक्चर जो है वो एनक्रिप्टेड रहेंगे लाइव कैसा रहेगा एनक्रिप्टेड रहेगा यानी सॉफ्टवेयर पे चलेगा सॉफ्टवेयर पे कैसे चलेगा तो सर वो सॉफ्टवेयर का मुझे आपको सीरियल की पे कर सीरियल uh, की देना पड़ेगा बहुत सारे स्टूडेंट ने कल मुझे रिप्लाई किया था अरे सर अभी तक सीरियल की डाउनलोड नहीं हो रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैंने बोला टेंशन ना लो भाई सीरियल की आएगा अभी तक तो ओपन लेक्चर चल रहा है तो ध्यान से सुनिएगा सीरियल की कहाँ से आता है गाइज अब मेरा तो कोई कंपनी नहीं है टेक्निकल ठीक है ये सॉफ्टवेयर कंपनी मेरा नहीं है तो मैंने ये जो सॉफ्टवेयर पार्ट है मेरे एकेडमी का जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो हैंडल करता है अराइड टेक्नोलॉजीज जी हाँ कौन हैंडल uh, करता है गाइस ध्यान से सुनिएगा यस और नो मैं आंसर चाहिए गाइस अगर ध्यान रहेगा कंसेप्ट समझ गया रहेगा क्लैरिटी रहेगा तो आप करेक्ट आंसर देंगे ध्यान से सुनिएगा सर ये जो सॉफ्टवेयर है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है सॉफ्टवेयर में जो आप लेक्चर प्ले करने वाले हो दस लेक्चर के बाद में जहां पे आप सीरियल की इंसर्ट करने वाले हो सर तो वो सॉफ्टवेयर हैंडल करता है अराइड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ठीक है अब ये अराइड टेक्नोलॉजी सर क्या करता है मैंने अभी 500 सीरियल की जो है वो उनसे डिमांड किया है एडमिशन कंप्लीट करने के लिए तो मुझे वो 500 सीरियल की उन्होंने भेज दिया एक सीरियल की का लगभग मुझे लगभग जीएसटी मिला के वन का खर्चा आता है ठीक है तो मैंने गाइस अगर आप चेक कर सकते हो सीरियल की मैंने आज ही उनसे लिया हुआ है वन रुपीज, एक सीरियल की का मुझे चार्जेस लगता है तो वन थाउजेंड इंटू फाइव हंड्रेड पांच लाख रुपए का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा पांच लाख रुपए का दर्शन चंडालिया को वी स्मार्ट अकेडमी को पेमेंट करना पड़ेगा अराइड टेक्नोलॉजीज को ठीक है इसके बाद चलो फाइव हंड्रेड एडमिशन कंप्लीट हो गया है फाइव हंड्रेड सीरियल की मैंने दे दिया है, उसके बाद सपोज और पचास एडमिशन होते हैं तो पचास एडमिशन होते तो पचास सीरियल की लगेगा पचास सीरियल की मैंने आर टेक्नोलॉजी से वापिस से मंगवाया तो पचास सीरियल की इंटू वन थाउजेंड रुपीज तो गर्ल्स फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का बिल उन्होंने मुझे दिया तो आप मुझे बताएंगे ये जो सीरियल की के ये जो सीरियल की के चार्जेस दर्शन चंडालिया को या फिर वी स्मार्ट अकेडमी को लग रहा है क्या ये सीरियल की का चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मेरे लिए या नहीं है इसका आंसर आप बताएंगे अगर ये आंसर आपने दिया इसका मतलब कंसेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर है आपका सोचिएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर अप्लाई करो प्रोडक्शन बढ़ेगा और खर्चा बढ़ता है तो वो डायरेक्ट है डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए गाइस ओके okay. वो मटेरियल नहीं होना चाहिए डायरेक्ट और वो एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं होना चाहिए सर ये सीरियल की इज नॉट अ मटेरियल टेंजिबल फॉर्म में थोड़ी कुछ आया हुआ है ना वर्कर है सर आर टेक्नोलॉजी मेरे वर्कर थोड़ी है ये तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है तो उसको अगर मैंने सीरियल की के लिए चार्जेस पे कर रहा हूं गाइज हर एक सीरियल की का मुझे थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ता है पहले पांच सौ सीरियल की मैंने डाउनलोड किया मुझे पांच लाख रुपए का बिल जनरेट कर दिया पचास सीरियल की डाउनलोड किया पचास हजार का बिल जनरेट कर दिया क्या दर्शन चंडालिया के लिए सीरियल की चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसिस है या नहीं है चलिएगा आंसर आ रहा है आंसर आ रहा है आंसर आ, आ रहा है अरे बाकी लोग आंसर दीजिएगा फटाफट से आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज अरे इतना स्लो क्यों आंसर आ रहा है सर जी कंसेप्ट समझ में नहीं आया क्या जी हां ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वेरी गुड मोर सीरियल की मोर स्टूडेंट मोर सीरियल की एंड मोर चार्जेस विल बी पेड जी हा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, है जी हा गाइस तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो करेक्ट आंसर दे रहे इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या ये कंसेप्ट आपके दिमाग के अंदर फिट हुआ है गाइस बोलो हा समझ में आएगा इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन बढ़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ने वाला है प्रोडक्शन अगर कम होएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कम होएगा स्टूडेंट कम होते तो मुझे कम सीरियल की लगेंगी स्टूडेंट बढ़ते तो मुझे ज्यादा सीरियल की लगने वाला है ठीक है स्टूडेंट अगर बढ़ते हैं तो गाइज़ ज्यादा बुक्स प्रिंट करना पड़ेगा ज्यादा बुक्स प्रिंट करना पड़ेगा तो भाई विस्मार्ट अकेडमी को दर्शन चंडालिया को रॉयल्टी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा ज़्यादा बेंचेस की अगर ऑर्डर आती है तो सर जी सब कॉन्ट्रैक्टिंग कलरिंग के लिए ज़्यादा बेंचेस भेजने पड़ेगे तो गाइज मुझे वहां पर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिस इनकर करना पड़ेगा जी सुमित शाह सुमित शाह जी एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं कि सर अगर एडमिशन जितना होता है ना भाई आपको सीरियल की देना पड़ेगा एकदम परफेक्ट आपने बोला है जी सो गाइस अनीता जी कौन सा पार्ट नहीं समझा आप मुझे बताइएगा मैं वो एक्सप्लेन करूंगा वापस एक बार सो डायरेक्ट एक्सपेंसिस क्या है कि वापिस एक्सप्लेन कर रहा करो डोंट वरी एट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसिस क्या है अगर प्रोडक्शन बढ़ता है खर्चा भी बढ़ता है तो गाइज वो डायरेक्ट एक्सपेंसिस है ओके okay, मैंने एग्जाम्पल दिया रॉयल्टी का वी स्मार्ट अकेडमी जितने ज्यादा नोट्स प्रिंट करेगा उतना ज्यादा मुझे रॉयल्टी पे करेगा ओके सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया सेकेंड एग्जाम्पल दिया आउटसोर्सिंग का सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जॉब चार्जेस का बेंच तो मैंने मैन्युफैक्चर किया है लेकिन कलरिंग किसी और से करवा के ले रहा हो तो जितने ज्यादा बेंच मैं वहां पे भेजूंगा उतना ज्यादा कलरिंग का खर्चा मुझे लगेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस से जितने ज़्यादा स्टूडेंट मेरे एकेडमी के अंदर आएंगे जितने ज़्यादा स्टूडेंट कॉस्टिंग ऑप्ट करेंगे मेरा उतना ज़्यादा स्टूडेंट को मुझे सीरियल की देना पड़ेगा तो सीरियल की इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंसेज फॉर मी चलेगा आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू जी हाँ अनिता जी फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक डाउट रहेगा तो भी आप पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने वापस एक बार एक्सप्लेन किया है स्टिल इफ़ देर एनी डाउट आप बताइएगा कोई स्पेसिफिक डाउट रहेगा वो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा चलेगा आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ योर प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ योर प्राइम कॉस्ट जी हां ये कहां पे जाएगा आपके प्राइम कॉस्ट के अंदर जाएगा ऑलरेडी देखा है भाई कल के लेक्चर के अंदर आज भी हम लोगों ने रिविजन किया हुआ है अब आखिरी पार्ट बचा है मालिक आखिरी पार्ट के अंदर क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हां जी मालिक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गाइज अदर देन डायरेक्ट जो भी कुछ आपको खर्चा लगा है डायरेक्ट छोड़ के डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ठीक है सर जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस छोड़ के जो भी कुछ आपको एक्सपेंडिचर लगा हुआ है वो आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का और प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है जी हाँ अनिता जी बिल्कुल आप बेफिक्र रहिएगा मैं अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल देने वाला हूं ठीक है जी हाँ जी हाँ अमन जी हायर चार्जेस भी समझा दूंगा डोंट वरी डो डो एट ऑल आऊंगा आऊंगा वो भी पॉइंट पे आ रहा हूं सर गाइस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है जो खर्चा आपको लगा है लेकिन डायरेक्ट नहीं है प्रोडक्शन बढ़ेगा खर्चा भी बढ़ेगा तो वो डायरेक्ट है प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन खर्चे का कोई लेना देना नहीं सर यानी कोई रिलेशनशिप नहीं है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है एक जबरदस्त एग्जाम्पल है आपके लिए जबरदस्त एग्जाम्पल है गाइस क्लासरूम का रेंट ध्यान से सुनियो गाइस, क्लासरूम का रेंट मेरे क्लासरूम का जो रेंट है वो एक लाख रुपए पर मंथ है मेरा जो क्लासरूम का रेंट है एक लाख रुपए का रेंट है और क्लास की कैपेसिटी जो है सर ये जो क्लास है इसकी कैपेसिटी 1500 स्टूडेंट की है क्लास का जो कैपेसिटी है सर टेंशन नहीं है वी स्मार्ट एकेडमी के बहुत बड़ा बड़ा क्लासरूम है तो 1500 स्टूडेंट का कैपेसिटी है ओके okay, एक लाख रुपए का रेंट है बच्चों मेरे क्लास के अंदर जी आगे मेरे क्लास के अंदर अगर 200 स्टूडेंट आता है तो भी मुझे एक लाख रुपए का रेंट पे करना है मेरे क्लास के अंदर फोर स्टूडेंट आता है तो भी मुझे एक लाख रुपए का रेंट पे करना है मेरे क्लास के अंदर पचास स्टूडेंट आते हैं तो भी मुझे एक लाख रुपए पर मंथ का रेंट पे करने का मतलब क्या है सर स्टूडेंट चेंज हो रहे हैं लेकिन मेरा खर्चा उतना ही है खर्चा वो प्रपोर्शन के अंदर कम ज्यादा नहीं हो रहा है तो सर वो क्या हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा होगा इस अगला एग्जाम्पल सर जी सर मेरे जो मशीन है फैक्ट्री के अंदर वो मशीन का मैंने इंश्योरेंस किया इंश्योरेंस का खर्चा लगा सर मशीन का इंश्योरेंस निकाला है मालिक मैंने अब आप मुझे बताएंगे ये मशीन से मैंने दस हजार क्वानिटी मैन्यक्चर किया तो भी इंश्योरेंस का खर्चा तो उतना ही आएगा मैंने पांच हजार क्वांटिटी मैन्युफैक्चर किया तो भी इंश्योरेंस का खर्चा उतना ही आएगा क्योंकि इंश्योरेंस का और प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं सर इंश्योरेंस पीरियड वाइज लगता है एक साल का जनरली हम लोग इंश्योरेंस निकालते हैं या ना सर जल्दी से आंसर दीजिए बोलो या ना इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है चलिए आर यू गेटिंग द डिफरेंस सर जितने ज्यादा स्टूडेंट है उतना ज्यादा सीरियल की लगेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है अरे भाई 1500 तक कितने भी स्टूडेंट आने दो ना मेरे क्लास का रेंट तो एक लाख ही है सर कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाएगा ओके सर सो आते हैं वापिस से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और बिल्कुल टेंशन ना लो गाइज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भर भर के एग्जांपल है गाइज भर भर के एग्जांपल है ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर ओवर में जाता है ठीक है तो एक 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 एक, -एक, -एक ओवर रेड हम लोग डिटेल के अंदर कवर करने वाले हैं सो डोंट वरी एट ऑल ओके मुझे एक और स्टूडेंट का क्वेरी आया है सर प्लीज मालिक प्लीज हम लोगों को ये जो हायर चार्जेस है वो हायर चार्जेस का नहीं समझा सर सिखा दो चलो वेरी गुड सर अच्छा क्वेरी पूछा किसने पूछा अरमान जी ने ये क्वेरी पूछा है अच्छा क्वेरी है सर यानी आपका ध्यान बहुत अच्छे से सुनिएगा मालिक सर मेरा जो कंपनी है मेरे कंपनी का नाम है टिचकुले एंड टिचकुले रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी जी हाँ जी हाँ नाम क्या है सर मेरे कंपनी का टिचकुले एंड टिचकुले रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ओके okay, खट्टा मीठा पीचर देगा अक्षय कुमार का टिचकूल एंड ओके okay. तो सुनिएगा सर मेरा जो कंपनी है वो रोड कंस्ट्रक्शन में रोड डेवलपमेंट के अंदर है लेकिन मेरे मेरे गरीब गरीब कंपनी कंपनी के के अंदर अंदर रोड रोलर नहीं है मेरे गरीब के अंदर, क्या नहीं है मालिक रोड रोलर बिल्कुल भी नहीं है नहीं है सर रोड रोलर नहीं है तो गाइज अब इश्यू क्या है समझ लीजिएगा अब मैं रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं सपोज सपोज नासिक से लेके पुणे तक का मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है रोड कंस्ट्रक्शन का लेकिन मेरे कंपनी के पास रोड रोलर नहीं है ठीक है मैं क्या करेगा मैं क्या करेगा मैं क्या करेगा सर कोई और कंपनी जिसके पास रोड रोलर है वहां पे जाऊंगा और बोलूंगा भाई मुझे इतना इतना रोड कंस्ट्रक्शन करने का है रोड रोलर लगेगा भाई हायर पे दे दे परचेस करने की औकात नहीं मेरी ठीक है मुझे हायर पे चाहिए सर ठीक है तो टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी ने टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी ने ठीक है सर जी कंपनी के पास जाके हायर पे रेंट पे सर जी वो रोड रोलर लेके आ गए ओके okay, so जितना रोड उनको कंस्ट्रक्शन करना था उसके लिए रोड रोलर लगा ठीक है और जैसे काम खत्म हो गया वापस दे दी ऑब्वियसली हायर चार्जेस पे करना पड़ा और हायर चार्जेस जनरली रोड रोलर का वन थाउजेंड रुपीज पर आवर है वन थाउजेंड रुपीज पर आवर है तो बच्चों बच्चों टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी जितना ज्यादा सर्विस लेगा ये रोड रोलर का जितना ज्यादा रोड का काम करेगा उतना ज्यादा उसको हायर चार्जेस पे करना पड़ेगा उस मशीन का तो भाई साहब टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी के लिए रोड रोलर का जो हायर चार्जेस है मशीन के लिए वो जो पेमेंट कर रहे हैं रेंट का पेमेंट कर रहे हैं हायर का पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बोलो या ना अब बोलो समझ में आया क्या हाँ सर जिया जी हाँ जिया जी हाँ जिया जी हाँ गाइज इज इट क्लियर है, है? हायर चार्जेस ओके चलो क्लियर है हाँ ग्रेट गाइज सो बच्चों आज हमने कवर कर लिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस आज हमने कवर किया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ पार्ट हमने कवर किया डिटेल के अंदर अब हम लोग आगे बढ़ने वाले सर जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा आपका ओवरहेड्स के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा आपका ओवरहेड के अंदर ओवरहेड की चार या फिर तीन कैटेगरी ऑलरेडी मैंने आपको बताया प्रोडक्शन ओवर मैन्युफैक्चरिंग ओवर या फैक्ट्री ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ये हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया है तो गाइज अब आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में प्रोडक्शन ओवरहेड में ठीक है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में कौन से कौन से आइटम आएंगे अब ध्यान से गाइज पहले वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आपको एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं है आराम से आप ग्रास्प करते चलेंगे एवरी वन नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट बच्चों सबसे पहले डिस्कशन का पार्ट है और वो है प्रोडक्शन ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवर हेड फैक्ट्री ओवर हेड गाइज ओवरहेड में तीन कैटेगरी आ सकती है इनडायरेक्ट मटेरियल आ सकता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ सकता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ सकता है भूल तो नहीं गए सर इंड मटीरियल इंडायरेक्ट लेबर इंडायरेक्ट एक्सपेंसिस और ध्यान से सुनिएगा इनडायरेक्ट मटीरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस अगर अगर फैक्ट्री के अंदर लगा है ठीक है आपका प्रोडक्शन का जो फैक्ट्री है वहां पर अगर ये खर्चा लगा है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाएगा यह थर्म रूल है ऑफिस के अंदर इंडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर इंडायरेक्ट लगा है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर जाएगा सेल करते वक्त इंडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर इंडायरेक्ट लगा है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर जाएगा सेलिंग में जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त अगर आपको इंडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर इंडायरेक्ट एक्सपेंसिस है तो भाई साहब वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरेट के अंदर जाएगा ओके okay, अब देखते हैं गाइस स्पेसिफिकली कौन से कौन से आइटम ऑलरेडी हमने बहुत सारे आइटम डिस्कशन कर लिए है इसमें से इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आएगा भूल तो नहीं गए सर कर का एग्जाम्पल ऑइल कंज्यूमेबल सर कंज्यूमेबल का मतलब क्या हुआ कंज्यूमेबल का मतलब क्या हुआ जो कंज्यूम हो जाता है जिसका आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाता है सर जी एक कल स्टूडेंट ने मुझे वाटर पानी के बारे में पूछा था कंस्ट्रक्शन करने के लिए पानी लगता है ओके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पानी इनडायरेक्ट क्यों है तब मैंने बताया था इट इज नॉट प्रेजेंट इन टू द फाइनल प्रोडक्ट वो कंज्यूम हो जाता है उसको बोलते हैं सर कंज्यूमेबल पेट्रोल डीजल गाइस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपने पेट्रोल डीजल यूज किया सर कंज्यूम हो गया इवेपोरेट हो गया यूज हो गया बर्नआउट हो गया सर फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं दिख रहा है ठीक है तो ये इसको बोलेंगे हम लोग कंज्यूमेबल नेक्स्ट वन क्लीनिंग मटेरियल सर भूल तो नहीं गए कल मैंने वॉशरूम क्लीनर का कुछ एग्जाम्पल दिया था तो क्लीनिंग मटेरियल अगर फैक्ट्री के अंदर यूज किया है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है सर जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज इन फैक्ट्री जी हाँ अगर आपने कुछ रिपोर्ट प्रिंट करने हैं प्रोडक्शन के ठीक है तो वो फैक्ट्री के अंदर आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज किया है तो वो आएगा आपका इनडायरेक्ट मटीरियल के कॉस्ट के अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट चलो सर इनडायरेक्ट लेबर कौन है जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता है वो इनडायरेक्ट है तो कौन कौन है इसमें सर जी फैक्ट्री सुपरवाइजर अरे सर फैक्ट्री का सुपरवाइजर एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं करता है सुपरवाइजर का, का काम है बस देखना कौन कैसे काम कर रहा है वो एक्चुअल में रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं करता है तो सैलरी ऑफ द सुपरवाइजर वेजेस एंड सैलरी ऑफ द क्लीनिंग स्टाफ क्लीनिंग स्टाफ के लिए जो वर्कर लोग काम कर रहे हैं ठीक है चीके, उनका वेजेस एंड सैलरी सर सिक्योरिटी एक्सपेंसेस कल और भी एग्जांपल ये थे सर हम लोगों ने गाइस स्टोर रूम का एग्जांपल याद है तो सैलरी पेड टू स्टोर मैनेजर स्टोर्स के वर्कर को मैंने कुछ सैलरी पे कर दिया तो वो भी सर जी इंडायरेक्ट लेबर के अंदर जाएगा क्योंकि स्टोर रूम कहां पर रहेगा तो स्टोर रूम फैक्ट्री के अंदर रहेगा चलिएगा उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का तो बहुत बड़ा लिस्ट है मालिक वो लिस्ट में क्या क्या आएगा एक बार चेक करते हैं रेंट सर ये कॉमन है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस आपने फैक्ट्री का रेंट पे किया ठीक है सेकेंड वन आपने रिपेयरिंग पे किया रिपेयरिंग का एक्सपेंसिस पे किया सर मशीन खराब हो गई आपने किसी और को बुलाया बाहर से टेक्निकल पर्सन को बुलाया आपके फैक्ट्री में कोई नहीं है एक रिपेयर करने वाला टेक्निकल पर्सन को बुलाया और उसको आपने रिपेयर करवा के लिया तो सर रिपेयरिंग का खर्चा लगेगा इंश्योरेंस ऑलरेडी डिस्कस गाइस डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन सर अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होने वाले हैं डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन अरे सर सर मालिक डेप्रिसिएशन तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होना चाहिए लेकिन नहीं सर डेप्रिसिएशन डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है इसका रीजन आपसे चाहिए मैं वेट कर रहा हूं मालिक इसका जो रीजन है वो आप मुझे बताने वाले हैं फटाफट फड़ से डेप्रिसिएशन क्यू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है कुछ लॉजिक बताएंगे सर क्या लगता है आपको सोचिएगा जरा आई वेट फॉर यू यस सर हेलो गाइस फटाफट आंसर दीजिएगा डेप्रिसिएशन क्या लगता है सर जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों नहीं है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है फाइव सेकेंड फॉर यू ओके वेरी गुड क्या बात है ओके okay. शुभम जी पहले तो आपने जो आंसर दिया है उसका मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं आपने बोला सर फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखता सर फाइनल प्रोडक्ट में क्या दिखता है वो मटेरियल दिखना चाहिए सर मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट के अंदर दिखता है सर ओके वो डायरेक्ट मटेरियल के बारे में एक्सप्लेनेशन था जो फाइनल प्रोडक्ट में दिखता ही नहीं ओके तो गाइस यहां पे मुझे सेकंड अरमान जी ने आंसर दिया है अगर दो यूनिट मैंने प्रोड्यूस की है तो भी उतना ही डिप्रिसिएशन आएगा मैंने पांच यूनिट प्रोड्यूस किए तो भी उतना ही मुझे डिप्रिसिएशन आएगा अरे मैंने पचास यूनिट हजार यूनिट प्रोड्यूस किए तो भी उतना ही डिप्रिसिएशन आएगा बरोबर है ना तो सर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिप्रिसिएशन बढ़ेगा ऐसा थोड़ी सर अगर प्रोडक्शन बंद है जीरो प्रोडक्शन है तो भी सर पड़े पड़े भी मशीन जाती है ना सर ओके तो सर आपने मशीन यूज भी नहीं किया पूरे साल में तो भी डिप्रिसिएट हो गया सर उसकी वैल्यू कम हो गई एग्जाम्पल दे सर आपने एक टू व्हीलर परचेज किया के बाइक परचेज करी सर सर के बाइक दो लाख रुपए की आपके घर में आ गई है और आपने पूरे साल में यूज नहीं की आप वापिस एक साल के बाद शोरूम में जाते और शोरूम वाले को बोलते हैं है ना मैंने एक साल पहले ली थी एक किलोमीटर भी नहीं चली है is, है एज इट इज सर ये ले लो दो लाख रुपए दे दो वो बोलेगा भाई बावला हो गया क्या अलीबाग से आया क्या ऐसा चलता है क्या एक साल तू ने यूज किया नहीं किया डेप्रिसिएट होने वाली है ओके okay, डेप्रिसिएशन so आपके बैच में मुझे डाउट uh, नहीं पूछा लेकिन लास्ट बैच के अंदर इस पर बहुत सारे स्टूडेंट ने डाउट पूछा था इसलिए मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि डेप्रिसिएशन इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है सर जी ठीक है चलिएगा आगे क्या दिया है सर जी फैक्ट्री के लाइटिंग एक्सपेंसेस ओ हो 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 गजब का एक कंसेप्ट है गाइस हाँ जी सर मालिक जैसे कल मैंने आपको बताया था स्टोर रूम एंड वेयर हाउस अलग कंसेप्ट है आज मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूं सर कॉस्टिंग के अंदर लाइटिंग अलग है एंड पावर अलग है ठीक है भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है सर अलग है आप कॉमन सेंस यहाँ पे से अप्लाई मत कीजिएगा अरे सर क्या बात करे लाइटिंग एंड पावर तो एक ही रहता है ना सर आंसर इज नो अलग चीज है सर लाइटिंग किसके लिए लगती है सर आप जो ट्यूबलाइट लगा रहे हो उसको लाइटिंग लगेगी आपको जो फैन लगा रहे हो उसको ट्यूबलाइट लगेगी सॉरी लाइटिंग लगेगा सर जी एग्जॉस्ट फैन जो लगा रहे हो उसके लिए लाइटिंग लगने वाली सर लेकिन जो मशीन आप चला रहे हो जो मशीन आप चला रहे हो उसको ज्यादा एनर्जी लगता है तो उसको कॉस्टिंग के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे पावर बोलेंगे आपको पता है ना सर जी मशीन का अपन जनरली देखते कितने हॉर्स पावर की मशीन है कितने एच की मशीन है कितने वैट की मशीन है एक्सेट्रा तो गाइस कॉस्टिंग के अंदर लाइटिंग अलग है एंड पावर जो है वो अलग है ओके okay. सो so, लाइटिंग का खर्चा एक जनरल खर्चा है सर जी वो आपको जो है कंसिडर करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर चलेगा सो so, गाइज ये हो गया आपका लाइटिंग एक्सपेंसेस उसके बाद क्लीनिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री टेलीफोन एक्सपेंसेस टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस तो ये सारे जो है वो आपके इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा जी हाँ चलिए सो so, ये फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया है अब सर जी पूरा रिपीटेशन है पूरा रिपीटेशन है ये सारे के सारे खर्चे जो है वो वापस रिपीट होने वाले हैं सर कुछ नया आपको नहीं मिलने वाला है यानी क्या बता देता हूँ सर जी गाइज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑफिस के अंदर लगा हुआ है जो आपके ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए लगा हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के अंदर जाएगा जी हाँ गाइज क्या क्या आएगा मटेरियल क्या क्या लगता है सर ऑफिस के अंदर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लगेगा सर जी क्लीनिंग मटेरियल लगेगा ऑफिस क्लीन करने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट वन इनडायरेक्ट लेबर सर जी सारे लोगों की सैलरी ऑफिस में जितने लोग हैं उनकी सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको कंसिडर करनी पड़ेगी सर ऑफिस में कौन कौन रहता है सर ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर है ऑफिस मैनेजर है ठीक है ऑफिस के स्टाफ है उसकी सैलरी है अकाउंटेंट की सैलरी सर जी डायरेक्टर की सैलरी ओके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सैलरी ठीक है शुभम सिंगल सर से ये सारे डायरेक्टर वगैरह कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हो सर जी क्या बोला मैंने डायरेक्टर की सैलरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टेक्निकल डायरेक्टर ठीक है तो ये जो डायरेक्टर है इनकी सैलरी चलिएगा सो डायरेक्टर की सैलरी हो गई उसके बाद भाई साहब आपके पास अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो जॉब कर रहा है आपके कंपनी के अंदर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ पे काम करेगा ऑफिस के अंदर काम करेगा तो उसका सैलरी चार्टर्ड अकाउंटेंट का सैलरी कॉस्ट अकाउंटेंट आपके फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है सर जी आप उसको सैलरी पे कर रहे हो तो वो भी गाइज इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर कंसिडर किया जाएगा तो अकाउंटेंट का सैलरी लीगल एक्सपेंसेस सर जी कॉस्ट अकाउंटेंट का सैलरी डायरेक्टर का सैलरी क्लर्क uh, का सैलरी प्यून का सैलरी ऑफिस uh, के जो स्टाफ है उसका सैलरी आपको कंसिडर करना है ऑफिस के जो मैनेजर्स है उसका सैलरी आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर कंसिडर करना पड़ेगा प्लस क्लीनिंग वाले स्टाफ है उनका सैलरी सिक्योरिटी स्टाफ अगर ऑफिस के अंदर लगाया हुआ है ठीक है बाउंसर्स लोग लगाए हुए हैं तो वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस के अंदर क्या आएगा सर जी वही आने वाला है सर रेंट रेट्स टैक्सेस इलेक्ट्रिसिटी डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन ऑफ लैपटॉप डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर डेप्रिसिएशन ऑफ टेबल चेयर बेंचेस डेप्रिसिएशन ऑफ एयर कंडीशनिंग एक्सेट्रा ठीक है तो ये डिप्रिसिए हो गया सर रिपेयरिंग एक्सपेंसेस आ गया टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस आ गया ये सब कुछ जो है वो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कवर होएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में चलेगा अब बढ़ते हैं सेलिंग ओवरहेड में सर डिस्ट्रीब्यूशन अलग किया है मैंने सेलिंग अलग किया है और डिस्ट्रीब्यूशन अलग किया हुआ है तो सेलिंग ओवरहेड के अंदर क्या आएगा गाइस सेलिंग ओवरहेड के अंदर जो इंडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेचने के लिए लगा हुआ है वो आपको सेलिंग ओवरेड्स के अंदर कंसिडर करना पड़ेगा अब मटेरियल क्या क्या लगेगा मालिक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज इन सेल्स डिपार्टमेंट ठीक है सेल बिल प्रिंट करने के लिए वगैरह वगैरह आपको जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लगा है कुछ रिपोर्ट प्रिंट करना है भाई सेल का रिपोर्ट प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लगा क्लीनिंग मटीरियल कॉमन है भाई ठीक है कॉस्ट ऑफ कैटलॉग ओ हो कैटलॉग क्या है कैटलॉग क्या है सर आपने वी स्मार्ट अकेडमी में एडमिशन लिया रहेगा कोई फेस टू फेस बैच में अगर गया रहेगा वहाँ पे तो वहाँ पे एडमिशन लेते वक्त सर जी आपको एक पूरा कैटलॉग दिया रहेगा भाई कौन सी फैकल्टी है एक्सपर्टाइज क्या है कितने साल से पढ़ा रहा है कितने स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है ठीक है कौन से कौन से सब्जेक्ट लेता है कितने रैंकर है कितने मार्क्स है तो भाई साहब कैटलॉग दिया रहेगा तो वैसे ही सर आप होटल में जाते हो तो मेनी कार्ड दिया जाता है तो वही कैटलॉग है सर कौन सा कौन सा प्रोडक्ट है कौन से प्रोडक्ट की क्या प्राइस है क्या फीचर्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो कैटलॉग का खर्चा आया लीस्ट प्राइस लीस्ट प्राइस का मतलब ये हुआ भाई मुझे अभी प्राइस ये करना है सी ए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग का ये फीस है सी ए इंटरमीडिएट फास्ट ट्रैक का ये फीस है बूस्टर बैच का ये फीस है रिविजन बैच का ये फीस है सी ए फाइनल का ये फीस है तो भाई कौन से कौन से प्रोडक्ट है और प्राइस क्या है तो उसको बोलते हैं लीस्ट प्राइस चलेगा भाई आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट लेबर इन सेल्स डिपार्टमेंट कौन कौन है भाई सेल्स डायरेक्टर सेल्स मैनेजर की सैलरी सर वहां पे स्टाफ की सैलरी सर जी सेल्समैन की सैलरी सेल्स डिपार्टमेंट में अगर कोई क्लीनिंग कर रहा है तो उसकी सैलरी सेल्स डिपार्टमेंट में अगर आपने सर सिक्योरिटी पर्सनल को अपॉइंट किया है तो उसका सैलरी तो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा चलिए उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सर वही है बार बार लगातार वही एक्सपेंसेस आ रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस रिपेयरिंग एक्सपेंसेस मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस आपको कंसीडर करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन आएगा किसका डेप्रिसिएशन सर सेल्स डिपार्टमेंट में जो फर्नीचर लगा हुआ है उसका डेप्रिसिएशन सेल्स डिपार्टमेंट में जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसका डेप्रिसिएशन आएगा ओके एयर कंडीशन लगा हुआ है सर आपके सेल दुकान में तो गाइज उसका डिप्रिसिएशन आएगा ओके okay. इंश्योरेंस आएगा डिप्रिसिएशन आएगा उसके बाद लाइटिंग एक्सपेंसेस क्लीनिंग क्लिनिंग हो गया है ठीक है टेलीफोन टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड बच्चों लास्ट पार्ट अभी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बी केयरफुल गाइस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा सर वेयरहाउस रिलेटेड खर्चे या फिर ट्रांसपोर्टेशन कैरेज आउटवर्ड कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए ठीक है गुड्स की डिलीवरी देने के लिए जो जो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगने वाला है ठीक है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर कंसिडर करना है सर दिमाग के अंदर फिट कर दो सेलिंग करने के लिए सेल्स ओवरहेड में क्या आएगा बेचने के लिए जो खर्चा आया है वो सेल्स ओवरहेड के अंदर कंसिडर करना है डिस्ट्रीब्यूशन में दो पार्ट कवर होता है सर एक वेयरहाउस रिलेटेड खर्चा जहां पे फाइनल प्रोडक्ट स्टोर किया गया है और एक जो है गाइज आपका ट्रैवलिंग का खर्चा ट्रांसपोर्टेशन नॉट ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा डिलीवरी देने का खर्चा गुड्स की तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या खर्चा आएगा सर इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो आपने वेयर हाउस में यूज किया हुआ है वो आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरेड के अंदर तो क्या इसके आएगा इसमें प्रिंटिंग मटेरियल है स्टेशनरी है प्रिंटिंग मशीन मटेरियल है उसके बाद सर क्लीनिंग मटेरियल है ओ भाई 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 एक नया नया पॉइंट है पेट्रोल एंड डीजल यूज इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पेट्रोल यूज किया ट्रांसपोर्ट व्हीकल में डीजल यूज किया ऑयल आ गैज ये सारा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल में जाएगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में सर जी सैलरी सारे लोगों की सैलरी कौन कौन है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर की सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन पर्सनल की सैलरी ठीक है वेयर हाउस कीपर की सैलरी वेयर हाउस के स्टाफ की सैलरी उस मैनेजर की सैलरी ड्राइवर की सैलरी क्लीनर की सैलरी सिक्योरिटी पर्सनल की सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारा जो सैलरी है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर में इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर जाएगा और लास्ट पार्ट इज दैट गाइज इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस क्या है वही रिपीट हो रहा है रेंट रेट्स टैक्सेस लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस निकाला आपने ठीक है वेयर हाउस में जो गुड्स रखा है उसका आपने इंश्योरेंस है फ्रेट का खर्चा लगा कैरेज आउटवर्ड ठीक है जो भी कुछ एक्सपेंडिचर टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस रोड टैक्स टोल टैक्स जो भी कुछ आपके व्हीकल को लगने वाले ये सब कुछ जो है वो आपको कवर करना पड़ेगा जी हाँ सो बॉयज एंड गर्ल्स सो लगभग लगभग कल का आधा लेक्चर और आज का आधा लेक्चर बस हम लोगों ने क्या डिस्कशन पे लगा दिया है कहाँ पे इन्वेस्ट किया है हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है मटेरियल में लेबर में और एक्सपेंसेस में यानी कि हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किया है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आराम से करते हैं सर हम लोग धीरे धीरे सर बेस एकदम स्ट्रांग करवा दूंगा आपका आगे क्योंकि सर ये जो आइटम हम लोगों ने डिस्कस किए इतना लगभग एक लेक्चर मैं ये डिस्कस कर रहा हूं रीजन सुन लो गाइस कॉस्टशीट टॉपिक आएगा यहां पे ये सारे कंसेप्ट वापस एक बार एक्सप्लेन होने वाले हैं क्योंकि कॉस्टशीट टॉपिक में प्राइम कॉस्ट बरोबर से अलग लिखना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड अलग से लिखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड अलग से लिखना पड़ेगा तो ही वो आपका क्वेश्चीट का फॉर्मेट कंप्लीट होएगा तो तब आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है या ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये एडमिनिस्ट्रेशन है या फैक्ट्री ओवरहेड है इसलिए हम लोगों ने आराम से धीरे धीरे ये पॉइंट कंप्लीट किया है ओके ओकेज क्वेरी आ रहा है क्वेरी आ रहा है ओके okay, एक शुभम जी ने एक क्वेरी पूछा है सर ठीक है मनी मैन इन्होंने एक पैसे का एक सवाल पूछा है शेयर्स ऑफ द कंपनी सोल्ड करने के लिए प्रोस्पेक्ट सेलिंग ओवर में जाएगा या फिर फाइनेंशियल कॉस्ट है हो 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 शेयर्स ऑफ द कंपनी सोल्ड करने के लिए प्रॉस्पेक्टस सेलिंग ओवर में जाएगा सर अब जो है ये प्रॉस्पेक्टस प्रिंट वगैरह ये पुराना कंसेप्ट है अब जो है वो ऑनलाइन के अंदर है ये जो भी कुछ प्रॉस्पेक्टस बनाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये आपके ऑफिस के अंदर बैठ के है, जो है वो प्रिंटिंग किया जाता है ओके okay. और सर पहले तो आप ये कंसेप्ट समझ लीजिएगा सर कंपनी का शेयर कंपनी शेयर जो बेचता है कंपनी का वो प्रोडक्ट नहीं है सर सर आपने बहुत बड़ा बहुत बड़ा डिविएशन कर दिया भाई साहब कंपनी बेच रहा है सपोज फर्नीचर कंपनी बेच रहा है फर्नीचर ठीक है और कंपनी को पैसा लग रहा था सोर्स ऑफ फाइनेंस लग रहा था कंपनी को पैसा लग रहा था तो लोन लिया या फिर शेयर इशू किया तो शेयर इशू किया इसका मतलब शेयर सेल किया ऐसा नहीं है सर ओगे okay, तो आप वो जो फाइनेंशियल कॉस्ट है यहां पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कंपनी शेयर बेचता नहीं है कंपनी शेयर इश्यू करता है और वहां से पैसा लेता है ठीक है आएगा आएगा सर आपको ये सारे जो है वो एफ में सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के अंदर ये सब कुछ आपको आ, समझ में आएगा चलेगा सो ओके पेट्रोल एंड डीजल इज इनडायरेक्ट मटेरियल ओ मेरे भाई एक ट्रक है जी हाँ ट्रक है आगे सर जी ये ट्रक में मैंने पेट्रोल भरा डीजल भरा और ट्रक का काम क्या है मेरे फैक्ट्री से लेके मेरे जो सेल्स डिपार्टमेंट है या फिर कस्टमर है जी हाँ सर जी मेरे फैक्ट्री से लेके डिलीवरी देना है कस्टमर तक ट्रांसपोर्ट तो व्हीकल मैंने यूज किया और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर मैंने क्या डाला रहेगा पेट्रोल या फिर डीजल डाला है तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है सर हाउ पेट्रोल एंड डीजल इज इनडायरेक्ट मटीरियल सिर्फ दस गुड्स भरे और ट्रक भेज दिया आगे तो भी उतना ही खर्चा लगने वाला है ना सर ये ट्रक के अंदर मैंने 200 यूनिट भर भर के भेजे तो भी उतना ही खर्चा आने वाला है ठीक है तो गाइज ये डायरेक्ट हो ही नहीं सकता ना मैं फर्नीचर बना रहा हूं मैं फर्नीचर बना रहा हूं फर्नीचर बनाने के लिए पेट्रोल डीजल थोड़ी लगा है अगे पेट्रोल डीजल किसके लिए लगा है सर एक इनडायरेक्ट एक्टिविटी के लिए ट्रक के लिए लगा हुआ है और ट्रक जो है वो गुड्स लेके जा रहा है तो यहाँ पे ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं हो सकता है और सर जी पेट्रोल एंड डीजल जो है वो कंज्यूम हो जाता है इसका आइडेंटिटी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं रहता है तो जिसका आइडेंटिटी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर अगर नहीं है तो वो डायरेक्ट कैसे हुआ मेरे भाई वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा चलिए सर एग्जांपल दे दी ना दस यूनिट भेजे तो भी सर पेट्रोल उतना ही लगेगा दो सौ यूनिट भेजे तो भी पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो उतना ही लगेगा और सर अरे भाई मेरे एक सिंपल पॉइंट है ना जो कंज्यूम हो जाता है जिसकी आइडेंटिटी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल कैसे हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल रहेगा ना भाई इट विल बी इनडायरेक्ट मटीरियल सर फाइनल प्रोडक्ट में थोड़ी दिखा है आपका फाइनल प्रोडक्ट चेयर टेबल बेंचेस है उसमें थोड़ी पेट्रोल डीजल दिख रहा है चलेगा आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू एंड और भी कोई डाउट रहेगा इस रिगार्डिंग पूछिएगा आप देख रहे हो मैं आराम से आपके डाउट एंटरटेन कर रहा हूँ सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आप पूछिएगा जितना ज़्यादा डाउट पूछेंगे रिलेवेंट उतना कंसेप्ट क्लियर होगा चलिए हाँ जी सर If देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क बिल्कुल बिंदास सर डाउट में शर्माओ मत सर शर्माने का नहीं डाउट में ओके okay. चलेगा समझ में आ गया चलो ठीक है वेरी गुड गाइस बिंदास डाउट पूछिएगा सर सर बिल्कुल कोई आप पे चिल्लाएगा नहीं और वैसे भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं सर कौन 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 डाउट पूछ रहा है किसको कोई पता नहीं है सर बिंदास अपना कंसेप्ट क्लियर रखिएगा जी हाँ लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को पेट्रोल डायरेक्ट कॉस्ट होगा ना जी हां सर वेरी गुड अब देखो आपको कितना जबरदस्त आंसर दिया है जी हाँ जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है ठीक है? है सर जी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीएसटी में विशाल भट्टर सर एकदम तोड़ क्लियर करवा देंगे गुड्स इसको बोलते हैं जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए ऑब्वियसली ये ट्रक वगैरह जो है उसमें पेट्रोल डीजल उनके लिए ये डायरेक्ट 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 जो है 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 वो एक्सपेंसेस होने होने वाला वाला मटेरियल बहुत बढ़िया सर कॉस्ट जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करेंगे उतना ज्यादा पेट्रोल डीजल लगेगा ठीक है ओला का सर्विस लिया सर आपने ओला वाले के लिए पेट्रोल डीजल तो एक्सपेंडिचर ही ना डायरेक्ट क्योंकि जितना ज्यादा रनिंग करेगा उतना ज्यादा उसको पेट्रोल डीजल कंज्यूम होएगा लेकिन नॉर्मल कंपनी के लिए नहीं है मेरे कंपनी फर्नीचर बना रही है तो फर्नीचर के लिए पेट्रोल डीजल डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल नहीं है चलो सो आई होप सो आपके जो डाउट है वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं गाइस चलिए गाइज एक एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर देखते हैं आपकी कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है दो क्वेश्चन पूछूंगा इनफैक्ट सर वी स्मार्ट एकेडमी है ध्यान से सुनिएगा सर वी स्मार्ट एकेडमी है जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है उन्होंने वी स्मार्ट एकेडमी के वेबसाइट पे जाके अगेस, वी स्मार्ट एकेडमी के वेबसाइट पे जाके मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों ने ठीक है ऑर्डर प्लेस किया रहेगा कि कॉस्टिंग चाहिए तो दर्शन चंडालिया सर का चाहिए अगेस, जीएसटी चाहिए तो विशाल भटर सर का चाहिए एंड सो ऑन ओकेज ओके ओकेज वी स्मार्ट एकेडमी को ये जो वेबसाइट है ठीक है वो वेबसाइट डेवलप करने के लिए खर्चा लगता है वो वेबसाइट मेंटेन करने के लिए खर्चा लगता है वो सर वो एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है ओके okay, वो जो प्रोडक्ट है वो अगर चेंज करना है अटेम्प्ट वाइज वगैरह चेंज करने का है कॉम्बो वगैरह चेंज करने का है ठीक है तो सर जी वहां पे अपडेशन के भी हमें चार्जेस लगते हैं तो सर जी वेबसाइट रिलेटेड कॉस्ट वी स्मार्ट एकेडमी के लिए कौन सी कॉस्ट है सर वेबसाइट रिलेटेड कॉस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट का कॉस्ट वेबसाइट मेंटेनेंस का कॉस्ट ठीक है वो डब्ल्यू 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 वो पे करना पड़ता है ना सर जी अगे उसका कॉस्ट वेबसाइट में चेंजेस लाने टेक्निकल पर्सन को बुलाना पड़ता है भाई कर ये चेंजेस दर्शन चंडालिया का ये प्रोडक्ट है भाई चेंज कर तो आपको क्या लगता है सर वी स्मार्ट अकेडमी को सपोज पांच लाख रुपए पूरे साल का जोड़ लो सर पांच लाख रुपए मोटा मोटी खर्चा लगता है ये वेबसाइट के लिए अब आप मुझे बताओ सर वी स्मार्ट अकेडमी के लिए ये वेबसाइट रिलेटेड खर्चा क्या है डायरेक्ट मटेरियल है डायरेक्ट लेबर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है अगर इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री है एडमिनिस्ट्रेशन है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है देखते हैं कौन करेक्ट आंसर देता है सर आपका टाइम स्टार्ट हो गया पांच सेकेंड में आपको आंसर देना है एक दोन तीन चार पांच हा हा हा, हा चलो कुछ शाबाश कुश जी ने करेक्ट आंसर दिया है सर ये इनडायरेक्ट है क्योंकि सर पचास स्टूडेंट भी आते तो भी वेबसाइट के लिए मुझे पांच लाख रुपए लगने वाला है वेबसाइट से हजार स्टूडेंट ने भी एडमिशन लिया तो भी इतना है तीन हजार स्टूडेंट ने लिया दस हजार ने लिया तो भी सर वेबसाइट का खर्चा तो उतना ही आएगा ना तो ये इनडायरेक्ट है सर मान लिया आपको कौन है ये यश नहीं कुश कुश जी का आंसर को मैंने टेन आउट ऑफ टेन मार्क्स दे दिया चलो ठीक है सो इट इट विल नॉट वेरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट

आपने एडमिशन कराओ तो भी मुझे पांच लाख रुपए लगने वाला है इट विल नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट सर जी सीरियल की में और वेबसाइट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है हर एक स्टूडेंट को हर एक स्टूडेंट को मुझे सीरियल की देना पड़ेगा लेकिन जरूरी नहीं ना हर एक स्टूडेंट वेबसाइट से ही ऑर्डर प्लेस करेगा अरे किसी ने सेंटर के थ्रू भी ऑर्डर प्लेस किया रहेगा कोई आके प्रेस्टीज पॉइंट पे भी ऑर्डर प्लेस किया रहेगा ऑब्वियस है ना वेबसाइट इज एडिशनल चलो तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा चलो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा ओके अब आप मुझे ये बताएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन सा आप मुझे बताएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वी स्मार्ट एकेडमी के लिए ये फैक्ट्री ओवरहेड है या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है या सेलिंग ओवरहेड है या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है और आज का सबसे करेक्ट आंसर दिया है स्मिथ शाह इन्होंने स्मिथ शाह सर ने सबसे पहले सबसे पहले आंसर दिया है अरमान जी ने सेकेंड आंसर दिया है और आंसर करेक्ट है आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट वाह गजब जिया सेलिंग में जाएगा क्या बात है मालिक क्या बात है मालिक सेलिंग ओवर के अंदर जाएगा क्यों सेलिंग ओवर अरे भाई वेबसाइट पे क्या है सिर्फ हमारा फोटो थोड़ी है सर वेबसाइट पे क्या है भाई आप वेबसाइट का पहला पेज देख लो दिस कॉम्बो इज अवेलेबल दिस फैकल्टी का प्रोडक्ट अवेलेबल इतनी प्राइस है लो भाई सर बेचने का काम हो रहा है वे, वेबसाइट से बाकी कोई काम है ही नहीं सर बेचने का काम हो रहा है स्टूडेंट लोग पे ऑर्डर प्लेस कर रहा है सर तो आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया ये मेरे लिए सेलिंग ओवर आएगा शाबाश बच्चों सेलिंग ओवर है शाबाश शाबाश जिन जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है हैट्स एक और एक और एक और एक और एक और एक और ओके सर गाइज एकेडमी ने ध्यान से सुनिएगा सर जी वी स्मार्ट अकेडमी ने दुबई जी हाँ दुबई आए सर दुबई में एक एग्जीबिशन होने वाला है ठीक है एक एजुकेशन रिलेटेड एग्जीबिशन होने वाला है दुबई में एजुकेशन रिलेटेड ओके और आपको पता है सर आप जो है वो एग्जाम दुबई सेंटर से भी दे सकते हैं ओके आप एग्जाम आपकी एग्जाम दुबई सेंटर से भी दे सकते हैं वहां पे भी एग्जामिनेशन हो सकती है कंडक्ट होती है ठीक है ना तो वी स्मार्ट एकेडमी ने वहां पे जो गाइस दुबई में एक एजुकेशनल फेयर लगने वाला एजुकेशन एक्सपो लगने वाला है तो सर बहुत सारे लोगों ने वहां पर स्टॉल बुक किया है उसमें से एक स्टॉल तो जहाँ पे वो एग्जीबिशन होने वाला है उसमें से थोड़ी सी जगह एक हंड्रेड स्क्वायर फीट टू हंड्रेड स्क्वायर फीट की जगह वी स्मार्ट एकेडमी ने रेंट पे ली गई है और उसका जो रेंट है सर डॉलर में तो मैं रुपीज में कन्वर्ट कर देता हूं एक दस लाख रुपए का टेन लाख रुपीज का उनको वी स्मार्ट को वहाँ पे रेंट पे करना पड़ेगा ठीक है तो वहां पे क्या होने वाला है सर जी वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग आएंगे पेरेंट्स लोग आएंगे ठीक है उनको वी स्मार्ट अकेडमी उनके प्रोडक्ट बताएगा कि हमारे ये, ये प्रोडक्ट है ये, ये प्राइसिंग है ठीक है ये फैकल्टी है ये एक्सपर्टाइज है और सर हम लोग ये प्रोडक्ट इतने में बेचते हैं कॉम्बो इतने में बेचते हैं तो ये सारा काम वो एग्जीबिशन में होने वाला है तो गायद ऑब्वियसली वी स्मार्ट अकेडमी के लिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप जो है वो कहां पे क्लासिफाई करेंगे सर जी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा सेलिंग ओवरहेड में जाएगा या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा अब दुबई इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन मत बोलना दूर है सर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं सर अब आप सोचो ठीक है ये इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में या फिर ये एजुकेशनल एग्जीबिशन में ठीक है मुझे कुछ खर्चा लगा हुआ है मेरे एकेडमी को कुछ खर्चा लगा हुआ है या फिर मैं फैक्ट्री हूँ ठीक है मेरा फैक्ट्री और मैंने जर्मनी में एक इंडस्ट्रियल एक्सपो पे मैंने प्रोडक्ट दिखा दिए मेरे आपको क्या लगता है वो कौन से ओवर के अंदर जाएगा एंड एब्सोल्युटली करेक्ट स्मिथ जी ने यश yes जी ने आदित्य जी ने जो जो रिजवान जी ने एकदम करेक्ट आंसर दे रहे सर सेलिंग ओवर में जाएगा करेक्ट गाइस क्यों सेलिंग ओवरहेड के अंदर जाएगा मामू सेलिंग ओवरहेड में क्यों जाएगा अरे भाई एग्जीबिशन में क्या काम हुएगा अरे एग्जीबिशन में प्रोडक्शन का काम थोड़ी होएगा ये एग्जीबिशन में गाइज आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम थोड़ी होगा सर एडमिनिस्ट्रेशन तो हम हमारे ऑफिस में करेंगे उधर दस लाख रुपए क्यों पे करेंगे भाई ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचना है मार्केटिंग करना है मेरे कंपनी का ग्लोबल रीच करना है मेरे कंपनी का तो इस रीजन है इस रीजन की वजह से वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा हाँ जी सर बोलो हाँ या ना क्लियर है गाइस शाबाश बच्चों आई एम रियली हैप्पी आई एम रियली हैप्पी आप लोग जो है वो एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं एंड एब्सोल्युटली गाइस कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से आया हुआ है परफेक्ट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है क्या बात है शानदार सर आज तो गजब के आंसर दे रहे हो सर आज कल से आज आपका परफॉर्मेंस बेटर है चलिए So, बरोबर से थिंकिंग आप कर रहे हैं हाँ जी सर नाउ काइजल्स नोटबुक निकालिएगा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चलो नोटबुक निकालो बहुत सारे लोग सो गए रहेंगे जागो ग्राहक जागो जागो ग्राहक जागो जी हाँ नोटबुक 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 अब कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट करने वाले हम लोग ठीक है हेडिंग दी दीजिएगा हेडिंग दीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जी मालिक आप लोग हेडिंग दे रहे हो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट उसमें पॉइंट नंबर वन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट उसमें पॉइंट नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर जी जिया हेडिंग देना है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर जिया मालिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एक बड़ा हेडिंग दिया आपने उसमें सेकेंड फर्स्ट I पॉइंट mean, आपने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ओके स्टॉप नाउ स्टॉप राइटिंग प्लीज कॉन्सेंट्रेट जो अभी लिख रहा आपको नहीं लिखना है जो लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल सर एकदम इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ रहा है आपके सामने तो लिखना वगैरह बंद कर दीजिएगा सर यहां पे ध्यान दीजिएगा एवरी नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट सर मालिक टेन थाउजेंड यूनिट्स एंड ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स हाँ जी सर मैं एक कॉस्ट बना रहा हूं कॉस्ट शीट बना रहा हूँ छोटा सा फॉर्मेट पे मत जाइएगा सर भावनाओं को समझिएगा आगे सर दस हजार यूनिट के लिए क्या क्या कॉस्ट लगने वाला है एंड बीस हजार यूनिट के लिए क्या क्या कॉस्ट लगने वाला है इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ सबसे पहले मुझे लग रहा है मटेरियल कॉस्ट सर मटेरियल का जो कॉस्ट लग रहा है वो एक लाख रुपए लग रहा है और बीस हजार यूनिट के लिए दो लाख रुपए का मटेरियल कॉस्ट लग रहा है आहो मटेरियल का कॉस्ट दस हजार यूनिट के लिए एक लाख वही अगर मैं बीस हजार यूनिट मैन्युफैक्चर करता हूं मटीरियल का कॉस्ट आ रहा है मुझे दो लाख सेकेंड वन इज अ लेबर कॉस्ट मामू लेबर कॉस्ट लग रहा है मुझे पचास हजार दस हजार यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए बीस हजार यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे एक लाख रुपए का जो है वो मटेरियल का कॉस्ट लगा लेबर का कॉस्ट लगा एम सॉरी रॉयल्टी लगी मालिक रॉयल्टी का एक्सपेंसेस लगाए रॉयल्टी का एक्सपेंसेस लगा है मुझे ट्वेंटी एंड फोर्टी चलो ठीक है मुझे फैक्ट्री का रेंट पे करने के लिए आ रहा है मुझे फैक्ट्री का रेंट पे करने के लिए आ रहा है फैक्ट्री का रेंट है एक लाख रुपए अरे मामू मैंने अगर दस हजार UH, यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए तो भी रेंट एक लाख आएगा मैंने बीस हजार यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए तो भी रेंट एक लाख आ रहा है चलो ठीक है इंश्योरेंस अगला एक्सपेंडिचर है इंश्योरेंस सर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का मैंने इंश्योरेंस निकाला फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का इंश्योरेंस आएगा क्योंकि सर दस हजार बनाओ बीस हजार तीस हजार कितने भी बनाओ इंश्योरेंस का कॉस्ट एज इट इज आएगा चलो ठीक है सर जी सैलरी किसकी सैलरी मैनेजर की मैनेजर की सैलरी दो लाख रुपए पर मंथ और यहां पे भी दो लाख आएगा सर कितना भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करो सैलरी दो लाख रुपए नेक्स्ट इज अ लाइटिंग लाइटिंग एक्सपेंसेस लग रहा है मुझे ट्वेंटी थाउजेंड अगले केस में लग रहा है थर्टी थाउजेंड सर 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 लाइटिंग के बाद अगला एक्सपेंसेस ले रहा हूं मैं टेली एक्सपेंसेस टेली एक्सपेंसेस लग रहा है मुझे फोर्टी थाउजेंड एंड सिक्स थाउजेंड जी हाँ फोर्टी थाउजेंड एंड सिक्स थाउजेंड सो गाइस बॉज एंड गर्ल्स मुझे आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां पर चाहिए मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एंड गाइज ये कंसेप्ट आपको आगे हर एक टॉपिक में एप्लीकेबल है हर एक टॉपिक में लगने वाला है मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक एंड बजेटरी कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें ये यूज नहीं होने वाला है तो आपका आत्मा अगर इधर उधर भटकता रहेगा तो बुलाओ उसको थोड़ा ठीक है आत्मा को यहां पे बुलाइएगा और उसको बोलो थोड़ा रुक भाई थोड़ा ठहर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है ये तो सुनिएगा सर सर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में आपने पहला हेडिंग दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर बिहेवियर सर बिहेवियर का मतलब क्या हुआ है सर दस हजार के बीस हजार यूनिट जहां पे हो रहा है तो कुछ कॉस्ट का बिहेवियर अलग है कुछ कॉस्ट का बिहेवियर अलग है जैसे कि सर मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट रॉयल्टी सर बिहेवियर अगर आप चेक करेंगे आउटपुट डबल हो रहा है तो खर्चा भी डबल हो रहा है बिहेवियर अलग है सर अगला एक्सपेंसेस अगर आप चेक करेंगे रेंट एंड इंश्योरेंस है सर जी रेंट का कॉस्ट एंड इंश्योरेंस का कॉस्ट आप कितना भी मैन्युफैक्चर करो सर सेम है एक लाख पचास एक लाख और पचास हजार ओके सर लाइटिंग एंड टेलीकोम्युनिकेशन सर बिहेवियर अलग ही है सर क्या है फिक्स नहीं है सर वो दोनों जगह पे बीस हजार नहीं दोनों जगह पे चालीस हजार नहीं है सर और सर देखिएगा मटेरियल लेबर एंड रॉयल्टी एग्जैक्ट डबल हो रहा है आउटपुट डबल हो रहा है ये डबल नहीं हो रहा है सर बीस हजार का चालीस हजार नहीं हुआ चालीस हजार का अस्सी हजार नहीं हुआ है तो गाइस बॉयज एंड गर्ल्स यहां पे जो मैंने कॉस्ट दी है हर एक का बिहेवियर अलग है तो हम लोग ये जो एक्सपेंडिचर मैंने लिखा हुआ है लिस्ट बना दिया हुआ है इसको मुझे क्लासीफाई करने का है तीन कैटेगरी के अंदर गाइज बॉयज एंड गर्ल्स बच्चों मेरी सबसे पहली कैटेगरी है वेरिएबल कॉस्ट जी गाइस, मेरे सबसे पहली कैटेगरी है वेरिएबल कॉस्ट आपको लिखना बिल्कुल नहीं है सर जो लिखना है मैं बता दूंगा आगे सर सेकंड कैटेगरी है फिक्स्ड कॉस्ट और तीसरा कैटेगरी है सेमी वेरिएबल कॉस्ट जी आ. So कॉस्ट को बिहेवियर के हिसाब से अगर आपको क्लासीफाई करना है तो ये तीन बिहेवियर अलग अलग है सर एक तो वेरिएबल कॉस्ट है या फिर फिक्स कॉस्ट रहेगा या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट रहेगा अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है सर वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी वेरी का मतलब चेंज होना सर वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट का एंड प्रोडक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है वेरिएबल कॉस्ट का एंड प्रोडक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है यानी गाइस बॉयज एंड गर्ल्स अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो सारे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेंगे प्रोडक्शन अगर कम करता है तो सारे वेरिएबल कॉस्ट कम होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट विल डिपेंड ऑन प्रोडक्शन देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन और गाइज बॉयज एंड गर्ल्स आज के लेक्चर का या फिर कॉस्टिंग के अभी तक के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं ये आपको याद रखना है पॉइंट आज आपका व्हाट्सएप का स्टेटस रहने वाला है ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं आज मैं आपको दो स्टेटस देने वाला हूं व्हाट्सएप के लिए ठीक है सर क्या स्टेटस है सबसे पहला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम क्या बोला मालिक मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम जी अगैस क्या बोला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम ये उसका बिहेवियर है पर यूनिट सेम रहता है वेरिएबल कॉस्ट सो गाइस बॉयज एंड गर्ल्स आज आप व्हाट्सएप का स्टेटस रखेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम सो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में तीन लाइन देखा पहला लाइन वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन डायरेक्ट रिलेशनशिप है भाई प्रोडक्शन के साथ तीसरा पॉइंट हम लोगों ने कवर किया बॉयज एंड गर्ल्स वेरिएबल कॉस्ट वो है जो पर यूनिट सेम रहता है वेरिएबल कॉस्ट वो है जो पर यूनिट सेम रहता है ओके अब आगे गाइस प्लीज आप आपके नोट्स देख के आंसर मत देना आप आपका जो नोट्स है वो देख देख के आंसर मत देना सर एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस एज यू आर अवेयर दैट नहीं सर ये सी ए फाइनल में भी आपको ठीक है ग्राफिकल मेथड वगैरह जो है आपको लगा रहेगा सर अभी फाउंडेशन खत्म मैथ्स खत्म नहीं भाई ये आगे भी है इंटर में भी और सी ए फाइनल में भी है सर so, ये जो एक्स एक्सिस है यहां पे मैंने लिया है आउटपुट एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है आउटपुट और वाई एक्सिस पे मैंने लिया है कॉस्ट जी हाँ एक्स एक्सिस पे लिया है मैंने आउटपुट वाई एक्सिस पे लिया है मैंने कॉस्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटर सेक्शन है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं अब मेरा पहला सवाल आपसे सर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने ये सीखा कि वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा आउटपुट अगर बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा डायरेक्ट रिलेशनशिप है एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम मेरा सवाल आपसे है मुझे इस ग्राफ में मुझे इस ग्राफ में वेरिएबल कॉस्ट लाइन प्लॉट करनी है वेरिएबल कॉस्ट लाइन ड्रॉ करनी है सर मैं पे कहां से स्टार्ट करू या फिर ओरिजिन से करूं या बीच में से कैसे करूं आपको लॉजिक लगा के आंसर देना है मुझे वेरिएबल कॉस्ट लाइन ड्रॉ करने का प्लीज प्लीज आपके पास जो नोट्स है वो देख के आप आंसर मत दीजिएगा मुझे मेरा वेरिएबल कॉस्ट लाइन ड्रॉ करना है मैं कहां से ड्रॉ करूं मालिक और आप अगर आंसर देंगे तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर पे पर हाँ जी सर ओरिजिन 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 मुझे कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया और कितना फास्ट आंसर दिया है अच्छा अपवर्ड कराइक सप्लाई करव ओके ओरिजिन ओरिजिन एंड आंसर इज एप्सुलटली करेक्ट मेरा वेरिएबल कॉस्ट लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन क्यों भाई लॉजिक देखो अरे बाप रे क्या बात है सर क्या आंसर दे रहे आज गजब क्योंकि एक स्टूडेंट का आंसर आया है स्मित शाह क्योंकि अगर कुछ प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगा वेरी गुड अमन जी ने आंसर दिया है फ्रॉम ओरिजिन बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट जीरो एट जीरो प्रोडक्शन शाबाश क्या आंसर दे रहे हो भाई साहब ओरिजिन क्योंकि जीरो प्रोडक्शन पे कॉस्ट जीरो है सर रिस्पेक्ट क्या बात है भाई ओहो अभी तक तो कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया आपने लगा लिया लॉजिक शाबाश ऐसे आगे बढ़ो बच्चों तो भाई साहब एक्स एक्सिस पे लिया मैंने आउटपुट और वाई एक्सिस पे जो है वो मैंने लिया है कॉस्ट ठीक है एक्स एक्सिस पे लिया मैंने आउटपुट वाई एक्सिस पे लिया मैंने कॉस्ट अगर जैसे चार पांच स्टूडेंट का आंसर आया सर अगर आपने प्रोडक्शन जीरो किया है ना भाई तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो ना मटेरियल लगेगा ना लेबर लगेगा ना आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेगा तो वेरिएबल कॉस्ट लाइन जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होएगा और जैसे 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 प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा आउटपुट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन शाहबाज बच्चो रिस्पेक्ट मालिक तोड़ शाबाज सो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या सीखा हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन डायरेक्ट रिलेशनशिप है वेरिएबल कॉस्ट का एंड प्रोडक्शन का ओके okay, ये पॉइंट आपको लिखना है चलो स्टार्ट राइटिंग स्टार्ट राइटिंग स्टार्ट राइटिंग आपने हेडिंग दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर वो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ए वेरिएबल कॉस्ट उसमें वेरिएबल कॉस्ट फटाफट से लिखिएगा वेरिएबल कॉस्ट आपने पहला लाइन लिखा सो वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन अरमान जी अरमान जी अरमान जी हम लोग यहाँ पे आने वाले वापिस से पर यूनिट का क्या कंसेप्ट है टोटल क्या कंसेप्ट है बिल्कुल आप बिंदास रहिएगा सारे पॉइंट कवर करूँगा ठीक है अभी फिलहाल आप लिख लीजिएगा वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप लिखिएगा आगे देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन there is a direct relationship of variable cost and production there is a direct relationship of variable cost and production and 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 and, and, and sir red pencil color pen, se Alag ka pen rahega usse red pen se ka status variable cost per unit should be same वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड भी सेम जी हाँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड भी सेम एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखिएगा डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर वेरिएबल है ये डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर वेरिएबल कॉस्ट है मतलब प्राइम कॉस्ट तो वेरिएबल है सर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये वेरिएबल कॉस्ट है एंड एंड गाइस बॉयज गर्ल्स आगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कीजिएगा एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा और वेरिएबल कॉस्ट लाइन को ओरिजिन से ड्रॉ कीजिएगा गाइज गाइस एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा वाई एक्सिस इज ड्रॉ कीजिएगा एंड ओरिजिन से जो है वो वेरिएबल कॉस्ट लाइन आपको ड्रॉ करना है guys, girl, जैसे ही आपका कंप्लीट होता है रिप्लाई कीजिएगा सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट फिर फिक्स कॉस्ट की तरफ जाएंगे फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट की तरफ जाएंगे फिर वापस से चार्ट पे जाएंगे जो मैंने एग्जाम्पल दिया है फिर आपको पता चलेगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है कौन सा कॉस्ट फिक्स है कौन सा सेमी वेरिएबल है ओके okay गाइस, okay कुछ लोगों ने बोल दिया डन डना डन डन गाइस, हाँ सर सो <coughs> so, ये कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने किया है वेरिएबल कॉस्ट के बारे में चलिए अब आगे बढ़ते हैं हेडिंग दीजिएगा बी फिक्स्ड कॉस्ट जी हाँ वेरी गुड गाइस अब आगे जो है वो आपको हेडिंग देना है फिक्स्ड कॉस्ट ओके लिखना बंद कंसेप्ट शुरू कंसेप्ट समझ लो उसके बाद लिखवा के दूंगा गाइस, फिक्स कॉस्ट क्या है फिक्स कॉस्ट नाम ही पता चल जाता है सर फिक्स्ड, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स इर रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन आप कितना भी प्रोडक्शन करो फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा प्रोडक्शन का और फिक्स कॉस्ट का एज सच कोई रिलेशनशिप नहीं है देर इज नो रिलेशनशिप ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड प्रोडक्शन और आज का आपका सेकेंड स्टेटस जो व्हाट्सएप पे आप करने वाले हो सर जी फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम फिक्स कॉस्ट इन टोटल इन टोटल टोटल कॉस्ट टोटल शुड बी सेम जी हाँ जो टोटल सेम आता है इट इज कॉल्ड एज अ फिक्स कॉस्ट जो पर यूनिट सेम आता है इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम सो तीन इंपॉर्टेंट लाइन फिक्स कॉस्ट के बारे में फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन देर इज नो रिलेशनशिप एज सच विथ प्रोडक्शन एंड फिक्स कॉस्ट तो ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा थोड़ा तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा प्रोडक्शन कम होगा नहीं 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 होएगा ऐसा सर उसके बाद तीसरा पॉइंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम जी हाँ फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम नाउ टेस्ट योर नॉलेज गाइस फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम यहां पे ध्यान दीजिएगा अगेन सर जी एक्स एक्सिस पे आउटपुट ले रहा हूं वाई एक्सिस पे जो है वो मैंने कॉस्ट लिया है अब मुझे जो है फिक्स कॉस्ट लाइन ड्रॉ करने का है बच्चों फिक्स कॉस्ट का लाइन मैं कहां से ड्रॉ करूं सर जैसे आपने अभी बताया ओरिजिन से ड्रॉ करूं या समवेयर लाइक धीस या याधीस सर कुछ तो बताओ मेरी हेल्प करो गाइज लाइन में कहां पे करूं इज इट अ टू एक्स एक्सिस इज इट अ टू वाई एक्सिस और इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन क्या लगता है मामू चलो क्या बात है कुश कुश बंसल आज खतरनाक आंसर दे रहे यशराज खतरनाक एंसर दे रहे सर इन लोगों ने मुझे आंसर दिया इट विल बी पैरल सर ईमानदारी में आपके पास नोट से बिना देखे आंसर देना है गाइस ठीक है कंसेप्ट समझो ना गलत आंसर चलेगा मेरे को लेकिन देख के आंसर नहीं चाहिए ब ओरिजिन बिकॉज देर विल बी फिक्स एट जीरो प्रोडक्शन ये आंसर जबरदस्त है अरमान अरमान जी ने आंसर दिया सोर फिक्स कॉस्ट है ना अगर आप कुछ जीरो क्वांटिटी भी मैन्युफैक्चर करते हो तो भी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आपको लगने वाला है वेरी गुड सो गाइज बॉज एंड गर्ल्स आपका आंसर सर आंखों पर आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है फिक्स कॉस्ट लाइन अगर आपने किया तो भी कुछ ना कुछ तो फिक्स कॉस्ट लगेगा गाइस अगर मैं फैक्ट्री की रेंट है और मैं जीरो प्रोडक्शन करता हूं एक महीने के अंदर तो भी मुझे वो रेंट पे करना पड़ेगा सपोज तो कॉस्टिंग का क्लास मेरा तीन महीना चलता है तो गाइज पूरे साल में दो बैचेस होते हैं छह महीना लेकिन मैं क्लासरूम तो पूरे बारह महीने का लेता हूं तो ऐसा थोड़ी है कि स्टूडेंट जीरो है और मुझे रेंट नहीं पे करेगा नहीं आई हैव टू पे द रेंट तो गाइज इट विल बी पैरल जी हाँ इट विल बी पैरल टू एक्स एक्सिस ये आएगा आपका फिक्स कॉस्ट लाइन चलेगा सर लिखेंगे आगे शाबाश गाइस रिस्पेक्ट ग्रेट गोइंग फिक्स कॉस्ट लिखो फिक्स कॉस्ट के बारे में Fixed cost will remain fixed irrespective of production. Fixed cost will remain fixed irrespective of production. Fixed cost will remain fixed irrespective of the production. there is no relationship of fixed cost with the production there is no relationship of fixed cost with the production there is no relationship of fixed cost with the production और आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस दो नंबर का वो आपको रेड पेन से लिखना है और ये रहा आपके सामने फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड भी सेम फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम एग्जाम्पल लिखिएगा रेंट इंश्योरेंस रेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा जी हाँ एंड ड्रॉ दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड फिक्स कॉस्ट लाइन इट विल बी पैरल टू योर एक्स एक्सिस जल्दी से ड्रॉ कीजिएगा एंड रिप्लाई कीजिएगा चलिए यस सर सो बॉयज एंड गर्ल्स फिक्स कॉस्ट के बारे में सीखते हैं जो हमने लिखा है वो एक बार देख लेते हैं बराबर लिखा है क्या फिक्स कॉस्ट विल नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पीरियड कॉस्ट ठीक है ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पीरियड कॉस्ट जी हां जी हाँ अरमान जी पक्का सीए बनेंगे आप अरमान जी ने लिखा है कि कंपनी का अगर सेल नहीं हुआ किसी साल कंपनी अगर बंद है ठीक है फिर भी उसको रिटर्न वगैरह सबमिट करना पड़ता है ठीक है लॉस वगैरह रिटर्न रहता है तो सी का फीस तो देना पड़ता है तो ये फिक्स कॉस्ट है शाबाश ये पक्का सीए बनने वाला है चलेगा सो गाइज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पीरियड कॉस्ट ये पीरियड कॉस्ट के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा था पीरियड कॉस्ट क्या है सर जी पीरियड कॉस्ट का मतलब ये हुआ ये कॉस्ट पीरियड वाइज लगता है जैसे कि रेंट मंथ टू मंथ पे करते हैं ओके इट इज कॉल्ड एज अ पीरियड कॉस्ट यानी प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं इंश्योरेंस इट्स अ पीरियड कॉस्ट सर इंश्योरेंस एक साल का निकालते हैं आप सैलरी एक महीने का आप पे करते हो तो इट इज कॉल्ड एज अ पीरियड कॉस्ट चलेगा आगे नेक्स्ट वन अप टू सर्टन एक्टिविटी कॉस्ट विल बी सर अभी एक लाइन यहां पे अलग से दिया है सर ये लाइन क्या बोलता है अप टू सर्टन लेवल दिस कॉस्ट विल बी अनअफेक्टेड। अप टू सर्टन लेवल दिस कॉस्ट विल नॉट बी अफेक्टेड अनफेक्टेड है सर इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं क्लास रेंट पे लिया है क्लास का रेंट एक लाख रुपए पर मंथ है क्लास का जो कैपेसिटी है सपोज मेरे क्लास का जो कैपेसिटी है वो 500 स्टूडेंट का है खाली मेरा जो क्लास का कैपेसिटी वो 500 हंड्रेड स्टूडेंट का है सर गाइज 500 तक कितने भी स्टूडेंट आने दो सर जी 200 250 300 400 450 499 500 500 हंड्रेड तक कितने भी स्टूडेंट आने दो मेरे ये क्लास के अंदर एकोमोडेट हो जाएंगे मुझे एक लाख रुपए का रेंट पे करने का है लेकिन सर मेरा जो स्टूडेंट है ये 500 सौ एक्सीड कर देता है सर जी पांच सौ ये एक्सीड कर देता है और सर पॉसिबल ही नहीं है ये एक ही क्लासरूम के अंदर सपोज 600 सौ स्टूडेंट आते हैं मेरे पास तो एक क्लासरूम के अंदर पांच सौ बैठता है सर 600 नहीं ठूस सकता मैं ऑब्वियसली मुझे एक और क्लासरूम लेना पड़ेगा और एक और मुझे रेंट पे करना पड़ेगा तो इसलिए यहां पर ऐसे बोला गया है टू सर्टन लेवल सर कुछ लेवल तक वो अनफेक्टेड है क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया सर जी पांच सौ स्टूडेंट तक मुझे एक लाख रुपए का रेंट है जैसे छह सौ स्टूडेंट है बाजू वाला क्लास लेना पड़ा मुझे रेंट पे वहां पर स्टूडेंट को बिठाना पड़ा मुझे रेंट मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो तो कुछ लेवल तक वो फिक्स है चलिए सो गाइज उसके बाद रेंट है मैनेजर की सैलरी है इंश्योरेंस है एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने दिया हुआ है और फिक्स कॉस्ट लाइन ओके दिख नहीं रहा है लेकिन वो ऐसा है फिक्स कॉस्ट लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई परफेक्ट है अब बढ़ते हैं आखिरी डिस्कशन की तरफ यानी क्लास का आखिरी डिस्कशन नहीं ये वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है कॉस्ट विच इज नॉट परफेक्टली फिक्स कॉस्ट विच इज नॉट परफेक्टली वेरिएबल सर जो कॉस्ट परफेक्ट वेरिएबल भी नहीं है जो कॉस्ट परफेक्ट फिक्स भी नहीं है उसको बोलेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल और फिक्स इन दोनों के बिहेवियर है सर और आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट सर जी पॉइंट इज दैट सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम नहीं है और टोटल भी सेम नहीं है अगर पर यूनिट सेम आता था तो वो वेरिएबल है अगर टोटल सेम आता था वो फिक्स है ना ये वेरिएबल है ना ये फिक्स है, है ठीक है ये क्या है सर जी आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट ओके गाइजे एक एग्जाम्पल देते हैं एक एग्जाम्पल देते चलो एक काम करते अरमान का ही एग्जाम्पल देते ठीक है अभी लेटेस्ट जो कमेंट है वो अरमान जी का है तो अरमान का ही एग्जाम्पल दे रहे अरमान सर आई थिंक सो 26 2026 में के अंदर सीए फाइनल कंप्लीट कर लिया इन्होंने ठीक है अरमान सर ने 2026 में सीए फाइनल कंप्लीट कर दिया और ये रैंक में भी आ गए ठीक है तो इनके पेरेंट्स ने इनके पेरेंट्स ने इनको ठीक है एक कमिटमेंट दिया था और बोला था अरमान अगर आप रैंक में आते हो तो अपन पूरी फैमिली जो है वो वर्ल्ड टूर पे, चली जाएंगी। पे चले जाएंगे ठीक है कहाँ पे चले जाएंगे वर्ल्ड टूर पे एक महीना पूरा सारा वर्ल्ड टूर घुमा के आ, आ, आएंगे नो गाइज बॉर्ड एंड गर्ल्स से फॉर एग्जाम्पल अगस्त 26 में रिजल्ट लग गया ठीक है एक अगस्त को रिजल्ट लग गया जैसे रिजल्ट लग गया इमीजिएटली एक अगस्त को ही ठीक है वर्ल्ड टूर पे चले गए पूरी फैमिली घर पे इनके कोई नहीं है इनके घर पे कोई नहीं है कोई नहीं है सर एक भी लाइट नहीं जल रहा है अब मेरा आपसे एक सवाल है सर एक महीना पूरा वो इंडिया के अंदर नहीं है क्या लाइट बिल जो है जी हाँ जो लाइट बिल जो है क्या जीरो आएगा क्या प्लीज़ मुझे आप ये एक्सप्लेन करो सब लोगों ने एक्सप्लेन करना है अरमान जी का एग्जाम्पल लिया इसका मतलब अरमान जी ने ही आंसर देने का ऐसा नहीं है सर आप लगाओ ना सर दिमाग लगाओ अगस्त मंथ के अंदर मैं पूरा यानी पूरा अगस्त में अरमान जी और उनका फैमिली घर पे नहीं है एक लाइट भी नहीं जल रही कुछ भी नहीं जल रही है क्या लाइट बिल जीरो आएगा क्या भाई उसको कॉन्ग्रेचुलेसन बाद में करो ठीक है पहले यहां पे ध्यान दो और मुझे आंसर दो सर जी मुझे आंसर दो सर ठीक है अरमान जी कांग्रेचुलेशन बोल रहे सब आपको ठीक है लेकिन आप आंसर दीजिएगा हाँ। अब मुझे एक स्टूडेंट का आंसर आया शुभम शिरके जी इनका ये बोल रहे सर जी बेसिक चार्जेस तो लगेगा एक बोल रहे सर पंकज जी बोल रहे सर जीरो आएगा सर देर विल बी मीटर चार्जेस देखो एकदम बराबर बोला यशराज चलिएगा सर कभी जीरो बिल नहीं आता है मेरे भाई एक मिनिमम बिल रेंटल कम से कम पे करना ही पड़ता है मीटर का जो भी कुछ हायर चार्जेस है ना वो आपको पे करना ही पड़ता है सो सौ रुपए या दो सौ रुपये डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट दो सौ रुपए का मिनिमम बिलिंग आता ही आता है भले आप दिल्ली के अंदर और दिल्ली में दो सौ यूनिट तक बिजली फ्री है सर बिजली फ्री है फिर भी सर मिनिमम जो चार्जेस है मीटर का वो तो लगता ही लगता है तो गाइज बॉयज एंड गर्ल्स ये लाइटिंग का जो है वो परफेक्ट एग्जांपल है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्योंकि example, suppose, से फॉर एग्जांपल सपोज जीरो से लेके 200 यूनिट तक जीरो से लेके 200 यूनिट तक सपोज आपको कुछ भी लाइट बिल पे नहीं करने का है यू जस्ट हैव टू पे सर जी वो जो बेसिक रेंटल है बेसिक रेंटल है उतना ही आपको पे करने का है अगर आपने 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक कंज्यूम कर लिए तो आपको सपोज फाइव हंड्रेड पे करना पड़ेगा सपोज आपने 501 हंड्रेड एंड टू वन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम कर लिया तो आपको दो हजार रुपए पे करना पड़ेगा एंड सो ऑन मतलब क्या हुआ सर जी सर कॉस्ट सेम नहीं है सेम नहीं है सर कॉस्ट सेम नहीं है वो कॉस्ट चेंज हो रही है सर जी फिक्स नहीं है वो चेंज हो रही है लेकिन सर एक सेम प्रोपोर्शन में नहीं चेंज हो रही है तो इसलिए उसको बोला गया है सेमी वेरिएबल कॉस्ट जी हा क्या आपको एग्जाम्पल समझ में आया सर जी एग्जाम्पल समझ में आया ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है ऐसा ही होता है अब लाइट बिल है ना लाइट बिल के पीछे का जो पन्ना रहता है वो आप चेक करते जाइएगा ऐसे ही लिखा रहता है कि, कि कितना यूनिट आप कंज्यूम करेंगे तो कितना बिल आएगा कितना रेट रहेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा फिर आप जो मीटर रीडिंग के हिसाब से यूनिट्स कंज्यूम करते हो अकॉर्डिंगली आपको बिल आता है okay, अगर आपने जीरो यूनिट्स कंज्यूम किया तो भी आपको मिनिमम रेंटल पे करना ही पड़ेगा तो ये परफेक्ट एग्जांपल हो गया आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जी इज इट क्लियर गाइस? बोलो हाया ना बच्चों। अरे क्या बात है सर खुश जी ने मुझे एक और एग्जांपल दे दिया सर एक काम करो ना सर सर एक और एग्जाम्पल लो टैक्सी फेयर क्या बात है ठीक है बंसल जी मुंबई से हो क्या आप क्योंकि मुंबई वाले लोग ये बराबर टैक्सी का जो है वो एग्जाम्पल देते सर आप ओला वगैरह करते हो या टैक्सी वगैरह करते हो तो गाइज मेरे हिसाब से जितना कैलकुलेशन है एक मिनिमम मिनिमम गाइज आपको थर्टी रुपीज तो पे करना ही पड़ता है मिनिमम थर्टी रुपीज और वो कुछ आई थिंक सो दो किलोमीटर के लिए दो किलोमीटर के लिए मिनिमम थर्टी रुपीज का रेंटल आपको पे करना ही पड़ता है फिर जैसे जैसे आपका जो है वो डिस्टेंस ज्यादा होते जाएगा वो फाइव रुपीज या टेन रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं तो भाई साहब आप दो सौ मीटर के लिए ही गए तो भी आपको मिनिमम कितना पे करना पड़ेगा तीस पे करना ही पड़ेगा और उसके बाद जैसे जैसे आपका यूसेज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टैक्सी का बिल भी बढ़ते जाएगा चलेगा So, ये है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट सर पढ़ते हैं क्या है लिखा नहीं है हमने मैं लिखवा दूंगा रुकिएगा सर जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ पोर्शन फिक्स है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का वो जो रेंटल है वो फिक्स एलिमेंट है ओके okay? एंड बाकी जो है कुछ एलिमेंट वेरिएबल है यूसेज के हिसाब से वो बढ़ते जाएगा तो सर दो रुपए फिक्स रेंटल आपको पे करने का है और उसके बाद आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे आपको बिल आएगा तो एक पोर्शन फिक्स है और एक पोर्शन वेरिएबल है शाबाश बच्चों आगे सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दोनों के बिहेवियर है वेरिएबल का भी बिहेवियर है और इसमें फिक्स का भी बिहेवियर है इट इज़ नॉट परफेक्टली फिक्स इट इज नॉट परफेक्टली वेरिएबल जी हाँ जो परफेक्टली फिक्स नहीं है जो परफेक्टली वेरिएबल नहीं है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है एग्जाम्पल टेलीफोन एक्सपेंसेस सर जी टेलीफोन या फिर लाइटिंग एक्सपेंसेस लाइट बिल हायर पार्ट यानी वो जो लाइटिंग का हायर पार्ट रहता है वो फिक्स है एंड फीस इज एज पर कॉल या फिर फीस एज पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन ठीक है तो गाइज बॉज एंड गर्ल्स सेमी वेरिएबल का ये जो चार्ट है ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जब स्टेप कॉस्ट आएगा तब ये मैं एक्सप्लेन करूंगा ठीक है अब भी अपने को ड्रॉ भी नहीं करना है ओके okay, से अभी फिलहाल ड्रॉ मत कीजिएगा इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट बाद में करूंगा सिर्फ आपको थोड़ा बेसिक पार्ट लिखना है सेमी वेरिएबल का सो लिखोइा सी पार्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट हियर वन पार्ट विल रिमेन फिक्स here one part will remain fixed and another part of the cost another co part of the cost will vary another part of the cost will vary according to the production It is not perfectly fixed, not perfectly variable. It is not perfectly fixed, not perfectly variable. Example. लाइटिंग एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल लाइटिंग एक्सपेंसेस टेलीफोन एक्सपेंसेस लाइटिंग एक्सपेंसेस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। जी हाँ सर जी लाइटिंग एक्सपेंसेस एंड टेलीकम्युनिकेशन या टेलीफोन एक्सपेंसेस चार्ट ड्रॉ करने के लिए जगह पेंडिंग रखिएगा ये जो चार्ट ड्रॉ करना है ये बाद में अभी नहीं ड्रॉ करना है तो उसके लिए जगह आप थोड़ा सा पेंडिंग रखिएगा सात आठ लाइन ओके okay. सो so, अगर आपने कंप्लीट किया तो यहां पे ध्यान दीजिएगा फोकस कीजिएगा गाइज ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया था और बिहेवियर की बात कर रहे थे हम लोग कुछ कॉस्ट का बिहेवियर यानी कुछ कॉस्ट चेंज हो रहा है कुछ कॉस्ट एज इट इज है okays. अब हम लोगों को ये जो आपके सामने मैंने कॉस्ट दिया है उसको बाइफरकेशन करना है कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है कौन सा कॉस्ट फिक्स है कौन सा कॉस्ट सेमी वेरिएबल है ये आपको आइडेंटिफाई करना है गाइज और मैं आपको बता दूं वेरिएबल कॉस्ट क्या है वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन

लिख के बताओ आंसर दो मुझे क्यू वेरिएबल है भाई क्यू वेरिएबल है रीजन मुझे चाहिए सो so, सबसे पहला मटेरियल का कॉस्ट इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट इज इट अ फिक्स कॉस्ट इज इट अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट चलो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा पहला आंसर आप दीजिएगा अगला दो आंसर मैं दूंगा चलेगा फाइव फोर थ्री टू वन जीरो टाइम अप गाइस वेरिएबल है कुछ बंसल जी इन्होंने आंसर दिया सर ये वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि प्रोडक्शन चेंज हो रहा है वही प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है आ, श्रेया जी फिक्स्ड बोल रहे हैं फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स इटिव ऑफ द प्रोडक्शन फिक्स कैसे हुआ एक लाख का दो लाख हो रहा है ठीक है एक लाख का दो लाख ये फिक्स थोड़ी होता है चलेगा वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज कॉस्ट पर यूनिट इज सेम टू वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज मोर यूनिट मोर कॉस्ट वेरी गुड अब एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा था सर कि सर वो पर यूनिट वाला कंसेप्ट समझाओ ना जी हां अब समझ लीजिएगा सर पर यूनिट कैसे आएगा गाइस एक लाख को दस हजार से डिवाइड करो मटेरियल कॉस्ट कितनी है एक लाख कितने यूनिट्स के लिए दस हजार यूनिट्स के लिए तो एक यूनिट के लिए कितनी आती है मेरे मालिक दस रुपए का कॉस्ट आया दो लाख रुपए का कॉस्ट आगे चेक कीजिएगा आगे जो कॉस्ट लगा है वो दो लाख रुपए का कॉस्ट है ये जो दो लाख रुपए का कॉस्ट है सर कितने यूनिट के लिए है ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट पर यूनिट कितनी आ रही है मामू दस रुपए आ रही है गाइज आपका आज का स्टेटस ओ हो हो आज का स्टेटस क्या था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम सर पर यूनिट सेम है ना दस हजार यूनिट के लिए भी दस रुपए लग रहे और बीस हजार यूनिट के लिए भी दस रुपये लग रहा है मतलब क्या हुआ सर ये पर यूनिट सेम आ रहा है सर समझ में आया जो कॉस्ट पर यूनिट सेम है कैसे करने का पर यूनिट टोटल कॉस्ट को प्रोडक्शन क्वांटिटी से डिवाइड करने का ये आता है आपका पर यूनिट कॉस्ट तो बच्चों चेक करो ना आप एक लाख डिवाइडेड बाय दस हजार दस रुपए आता है और दो लाख डिवाइडेड बाय बीस हजार वो भी दस रुपए आता है तो ये जो कॉस्ट है मालूम मालूम नहीं कौन सा है यह है वेरिएबल कॉस्ट जी हाँ, ये जो कॉस्ट आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है रिजवान जी इन्होंने बता बताया जी हां सर दस रुपए पर यूनिट है सेम आ रहा है चलो बच्चों लेबर कॉस्ट के बारे में क्या ख्याल है क्या ख्याल है आपका सर लेबर कॉस्ट के बारे में चलो आगे बढ़ो गाइस फटाफट आंसर देते चलिएगा सर जिनका आंसर आ रहा है मुझे फटाफट बताइए लेबर कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स है या सेमी वेरिएबल है रॉयल्टी वेरिएबल है फिक्स है सेमी वेरिएबल है चलो जल्दी जल्दी आंसर देते रहिएगा सर चलो वेरिएबल आर क्यू 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 मुझे विथ रीजन आंसर चाहिए आपसे रीजन रीजन आंसर आंसर चाहिए reason answer चाहिए वेरिएबल बोल रहे हैं आप वेरिएबल है लेकिन क्यों यह है वेरिएबल बराबर मान लिया आपकी बात क्यों एक स्टूडेंट ने मुझे दिया है अरमान जी ने आंसर दिया यह बोल रहे सर ये पर यूनिट सेम है कितना है पांच रुपए देखते हैं पांच रुपए बराबर है क्या सर फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड यूनिट यानी कितना आता है फाइव रुपीज पर यूनिट एंड वन लैक डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थाउजेंड ईधर भी आया फाइव पर यूनिट तो मतलब ये हुआ जो कॉस्ट पर यूनिट सेम है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है जो कॉस्ट आपका पर यूनिट सेम है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वेरी गुड श्रेया जी रिजवान जी पंकज जी शुभम जी सो लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो गाय सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन डबल हुआ ये लेबर कॉस्ट भी डबल हुआ या फिर आप ऐसा कर सकते हो पर यूनिट सेम है सर 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 एंड वन लैख डिवाइडेड बाय 10,000 चलो सर सेम रॉयल्टी रॉयल्टी के बारे में क्या ख्याल है सर आपका क्या लगता है आपको रॉयल्टी के बारे में रॉयल्टी इज अल्सो वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि सर आउटपुट डबल हो रहा है कॉस्ट भी डबल हो रहा है बीस का चालीस हुआ है ना बीस हजार डिवाइडेड बाय दस हजार अरे बच्चो फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थाउजेंड सर यहां पे कितना आ रहा है दो रुपए पर यूनिट आया अरे मामू जो पर यूनिट सेम है वो आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट जी हा बच्चो जी हा वेरिएबल कॉस्ट आएगा शाबाश दो रुपए पर यूनिट का आंसर आप करेक्ट दे रहे हो शाबाश बच्चो नो गाइज एंड गर्ल्स अगला सवाल ये रहा आपके सामने सर जी रेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका विथ रीजन आंसर दीजिएगा रेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है रेंट के बारे में इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट इज इट अ कॉस्ट इज इट अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखो <coughs> पीछे तो देखो सर रेंट कितनी है एक लाख रुपए का रेंट है और यहां पे भी रेंट कितना है एक लाख रुपए का रेंट है सर दस हजार यूनिट के लिए भी एक लाख रुपए का रेंट है बीस हजार यूनिट के लिए भी एक लाख रुपए का रेंट है तो मालिक मेरे ये जल्दी से आंसर दीजिएगा सर ये रेंट है जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है फटाफट आंसर आया है सर फिक्स है रीजन तो बताओ कुछ लोगों ने दिया है रीजन मुझे सर फिक्स कॉस्ट सेम रहती है टोटल तो टोटल आता है मेरा एक लाख और टोटल आता है मेरा एक लाख सर जी मेरी टोटल सेम है एक लाख एक लाख एक लाख एक लाख कितना भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करो जो रेंट है मेरा सेम आ रहा है ठीक है प्रोडक्शन चेंज हुआ लेकिन कॉस्ट सेम रहा वाह भाई वाह क्या आंसर दे रहे हो प्रोडक्शन चेंज हुआ प्रोडक्शन डबल हुआ कॉस्ट उतना ही है तो ये आएगा मेरा फिक्स कॉस्ट शानदार चलो गाइस आगे इंश्योरेंस इंश्योरेंस का आंसर दीजिएगा गाइस दस हजार यूनिट्स प्रोड्यूस किया मैंने मेरे मशीन का इंश्योरेंस किया फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस किया है पचास हजार रुपए इंश्योरेंस का प्रीमियम मैंने पे किया है बीस हजार यूनिट्स के लिए भी पचास हजार लगा हुआ है तो सर ऑब्वियसली जो इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है ये फिक्स कॉस्ट में आएगा आप पर यूनिट देख लो देखो देखो पर यूनिट देख लो ना सर पर यूनिट देख लो सर पचास हजार डिवाइडेड बाय दस हजार पांच रुपए पर यूनिट आता है पचास हजार डिवाइडेड बाई बी टू पॉइंट फाइव रुपीज पर यूनिट आए पर यूनिट सेम नहीं है सर ये पांच रुपए एंड टू पॉइंट फाइव पर यूनिट सेम नहीं है टोटल सेम है इसका मतलब ये आएगा आपका फिक्स कॉस्ट शाबाश बच्चो ये आएगा आपका फिक्स कॉस्ट चलो 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 मैनेजर को सैलरी पे करो बच्चों मैनेजर को सैलरी पे करो मैनेजर का सैलरी कितना है मैनेजर का सैलरी पहले मैनेजर को सर जी दो लाख रुपए है दस हजार यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया बीस हजार यूनिट्स अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो फिर भी आपको दो लाख रुपए ही पे करने के लिए आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ क्या ये फिक्स कॉस्ट है क्या चलिएगा ये रहा आपका फिक्स कॉस्ट वेरी गुड देर इज अ चेंज क्या आंसर दे रहे सर वाह 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 कुछ लोग बोल रहे हैं सर देर इज अ चेंज इन आउटपुट बट द कॉस्ट रिमेन सेम सर प्रोडक्शन चेंज हो रहा है कॉस्ट उतना ही है तो ये जो तीनों जो है जी हाँ सो पहला तीन जो मैंने बताया था वो वेरिएबल कॉस्ट है रॉयल्टी तक आ गए उसके बाद जो रेंट इंश्योरेंस एंड मैनेजर का सैलरी जो है वो मेरा फिक्स कॉस्ट है जी हाँ मान लिया सर एकदम परफेक्ट इसके बाद अब आएगा मजा सर जी मैंने आपको सेमी वेरिएबल का एग्जाम्पल लिखवा के दिया है कि टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्लीज आप वो भूल जाइएगा आप मुझे लॉजिकली बताएंगे लाइटिंग का खर्चा जो है ये लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट जो है वो लाइटिंग है ये जो लाइटिंग का खर्चा है ये वेरिएबल है या ये फिक्स्ड है या ये सेमी वेरिएबल है मालिक मुझे आंसर विथ रीजन चाहिए मुझे आंसर विथ रीजन चाहिए एज यूजल कुश जी रिस्पेक्ट सर आज बहुत फटाफट आंसर दे रहे हो आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बट नॉट इन द प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन हाँ हा हा सर जबरदस्त सजेस्टेड आंसर दे दिया आपने ठीक है सर कुछ जी ने आंसर दिया सर कॉस्ट तो चेंज हो रहा है कॉस्ट चेंज हो रहा है कॉस्ट सेम नहीं है इसका मतलब इधर दो लाख और उधर भी दो लाख दो लाख या बीस हजार सॉरी बीस हजार इधर बीस हजार और उधर भी बीस हजार ऐसा नहीं है मालिक लेकिन प्रॉब्लम यह है आउटपुट डबल हुआ कॉस्ट डबल नहीं हुआ दस हजार का बीस हजार आउटपुट हो रहा है लेकिन ये बीस हजार का चालीस हजार नहीं हुआ सर अगर ये बीस हजार का चालीस हजार होता था तो सामने ये परफेक्ट वेरिएबल आता था अब सर एक दिक्कत हो रही है पर यूनिट में काउंट कर रहा हूं बीस हजार डिवाइडेड बाय दस हजार मेरा दो रुपए पर यूनिट आ रहा है तीस हजार डिवाइडेड बाय बी हजार मेरा वन पॉइंट फाइव रुपीज पर यूनिट आ रहा है सर इधर दो रुपए है इधर वन पॉइंट फाइव रुपीज है ना ये पर यूनिट सेम है ना ये टोटल सेम है आई रिपीट ना ये पर यूनिट सेम है पर यूनिट कैसे आया बीस हजार डिवाइडेड बाय दस हजार दो रुपए पर यूनिट आया इसके बाद तीस हजार डिवाइडेड बाय 20,000 फाइव रुपीस पर यूनिट आया। सर ना ये पर यूनिट सेम आ रही है ना ये टोटल सेम आ रहा है इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट है मालिक ये आएगी आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट जी हाँ परफेक्ट है इट इज नॉट परफेक्टली वेरिएबल वेरिएबल होता था पर यूनिट सेम आता था इट इज नॉट परफेक्टली फिक्स फिक्स रहता था तो दोनों जगह पे सेम आता था ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंडर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड मतलब ये हुआ इट इज नॉट परफेक्टली फिक्स इट इज नॉट परफेक्टली वेरिएबल ये आएगा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट सर रीजन कैसे आ रहा है मैं कैलकुलेट कैसे कर रहा हूं ये आपको जानना है सर तो ये प्रपोर्शन वगैरह भूल जाएगा लॉजिक देखो सर जी क्योंकि सर ऐसा जरूरी नहीं है एग्जाम में दस हजार और बीस हजार यूनिट दे एक्जैक्टली डबल यूनिट दे आपको ऐसा भी कर सकते हैं ना दस हजार और ग्यारह हजार तब वो प्रोपोर्शन फाइन करना आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा तो आपके लिए बेस्ट क्या है डिवाइड कर मेरे भाई सर कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर पर यूनिट आता है दोनों जगह पे पर यूनिट अगर सेम है तो वो वेरिएबल है दोनों जगह पे टोटल सेम है तो वो फिक्स है अगर पर यूनिट भी सेम नहीं है टोटल भी सेम नहीं तो वो आएगा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट चलो ठीक है आगे चेक करते सर टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस लास्ट वन फॉर यू क्या लगता है जी हाँ ओ सर टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस के बारे में बताओ कुछ इज इट अ वेरिएबल इज इटॉल इजा क्या है आपको रीजन भी चाहिए सेमी वेरिएबल सेमी वेरिएबल सर 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 यशराज जी वापिस एक बार बता देता हूँ सर प्रपोर्शन के अप्लाई मत करो कि प्रपोर्शन जैसे मैंने आपको बोला सर एग्जाम में अगर टेन थाउजेंड और इलेवन थाउजेंड आया है टेन थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड ऐसा अगर नहीं आता है तो आपको दिक्कत जाएगी ना सर वो प्रपोर्शन सेम लाना बहुत जर, डिफिकल्ट होएगा ना तो आप रीजन ऐसे दीजिएगा पर यूनिट सेम आ रहा है तो वो वेरिएबल है तो टोटल सेम आ रहा है तो वो फिक्स है ना पर यूनिट सेम आया ना टोटल सेम आए तो वो सेमी वेरिएबल है मुझे ऐसा रीजन चाहिए जी हाँ ये जो है वो आपका सेमी वेरिएबल है रीजन इज दैट फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई टेन थाउजेंड गाइज फोर रुपीज पर यूनिट आता है सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी थाउजेंड थ्री रुपीज पर यूनिट आया सर पर यूनिट भी सेम नहीं है टोटल भी सेम नहीं है इसका मतलब ये जो है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगा जी हाँ गाइस सो so, ये कौन सा कॉस्ट आ रहा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है चलिए सर so, लास्ट एग्जाम्पल आपके लिए एक नया एग्जाम्पल ले रहा हूं जल्दी से आंसर देना अभी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है जया मालिक बोलिएगा वट अबाउट दिस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट फिफ्टी थाउजेंड है एक लेवल में और एक लेवल में सेवेंटी फाइव थाउजेंड है दस हज़ार यूनिट जब मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो फिफ्टी थाउजेंड कास्ट लग रहा है बीस हज़ार यूनिट जब मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तब मुझे जो कॉस्ट लग रहा है वो सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ का कॉस्ट लग रहा है तो अब आप मुझे ये बताएंगे सर जी ये वेरिएबल कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है चलिए जल्दी 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 सर खत्म करना है लेक्चर चलिएगा मुझे आंसर दे रहे बच्चे लोग और वो बोल रहे हैं सर जी ये जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि पर यूनिट सेम नहीं आ रहा है पचास हज़ार डिवाइडेड बाय दस हजार जब मैं लेता हूँ तो गाइज पांच रुपये पर यूनिट आ रहा है सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थाउजेंड सर थ्री पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा मेरे हिसाब से थ्री पॉइंट सेवेंटी फाइव ऐसे कुछ आई डोंट नो देख लेना आप थ्री पॉइंट सेवेंटी फाइव ऐसे कुछ तो भी आ रहा है तो ये अरे बराबर थ्री पॉइंट सेवनटी फाइव बराबर है मैंने ओरली बराबर किया था तो गाइज पर यूनिट भी सेम नहीं है और टोटल भी सेम नहीं है तो ये जो है वो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगा शाबाश बच्चों यह आएगा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इट इंटरेस्टिंग यस ओन ओ गाइज जबरदस्त वाला पार्ट है अब सर आज का जो है वो कंप्लीट हो चुका है लेक्चर यहां पे ध्यान दीजिएगा सर कल हम लोग क्या करने वाले हैं या फिर इसके आगे का क्या पार्ट है इतना मजा आएगा लॉजिकली समझने में आपको सर बाकी लोगों जैसे हम लोग रट्टा नहीं मारने वाले कि ये ऐसा है ये ऐसा है क्यों कर रहे इसका पूरा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा ओके okay, सर सर आपको थर्टी थाउजेंड यूनिट्स का पंकज जी आप भूल गए क्या सेमी वेरिएबल का चार्ट ग्राफ बाकी है सर मैंने बोला ना आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के वक्त ऑलरेडी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपको छे सात लाइन ब्लैंक रखने का है जब मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टेप लैडर कॉस्ट आएगा तब मैं इसका चार्ट देने वाला हूं शायद आप भूल गए भाई मेरे ऐसा मत करो पंकज जी ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है चलो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सो 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 बॉयज एंड गर्ल्स आपके पास दस हजार यूनिट्स का डेटा है बीस हजार यूनिट्स का डेटा है अब एक कस्टमर आपके पास आता है एंड कस्टमर ने आपको कस्टमर ने आपको तीस हजार का ऑफर दिया है तीस हजार यूनिट का ऑर्डर दिया हुआ है और तीस हजार यूनिट का आपको कोटेशन देने का है, आपको कॉस्ट कैलकुलेट करने का तीस हजार यूनिट का जो है वो आपको कॉस्ट कैलकुलेट करने का है, आगे अब बताएंगे अब फटाफट से आंसर देने का है भाई मजा आने वाला है सर आप मुझे बताएंगे मटेरियल का कॉस्ट कितना लगेगा जल्दी से क्योंकि आपने मुझे बताया था मटेरियल कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है लेबर का कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है रॉयल्टी वेरिएबल कॉस्ट है रेंट जो है वो फिक्स कॉस्ट है इंश्योरेंस जो है वो फिक्स कॉस्ट है सैलरी जो है वो फिक्स कॉस्ट है लाइटिंग जो है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है टेलीकम्युनिकेशन सेमी वेरिएबल कॉस्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल कॉस्ट है जी हाँ सर जी चलो 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 सर पर यूनिट सेम आता है एक लाख डिवाइडेड बाय दस हजार दस रुपए पर यूनिट आया था तो तीस हजार यूनिट के लिए मेरा आंसर तीन लाख आना चाहिए आहो क्या बात है तीन लाख आंसर दे रहे हैं सर यश पंकज रिजवान आदित्य पंक, अरमान सारे साकी सारे स्टूडेंट मुझे तीन लाख आंसर दे रहे आंसर इज करेक्ट सर लेबर कॉस्ट कितनी है फाइव रुपीज पर यूनिट है है ना पांच रुपए पर यूनिट का जो है वो लेबर कॉस्ट है तो तीस हजार यूनिट के लिए कितना लगेगा इज इट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज लगेगा ओहो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड जी हाँ करेक्ट है रॉयल्टी वेरिएबल कॉस्ट है सर जी दो रुपए पर यूनिट आई गेस सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग तो यूनिट के लिए साठ हजार रुपए का जो है वो रॉयल्टी लगेगा मुझे अरे रेंट तो फिक्स है मामू रेंट तो मेरी फिक्स है मामू एक लाख रुपए और एक लाख रुपए रेंट लगेगा इंश्योरेंस फिक्स है मामू फिक्सेंड एंड लगेगा सैलरी टू मैनेजर फिक्स है मामू दो लाख रुपए और दो लाख लगेगा हाँ जी हाँ सर फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स ऑफ द प्रोडक्शन सो फिक्स कॉस्ट मैंने फिक्स है अब अटक गए ये मन अटक गया है कहां पे अटक गया सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट में अटक गया ये मन अटक गया है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में सर लाइटिंग का कॉस्ट सर लाइटिंग में सेमी वेरिएबल के बारे में लिखा है इसमें कुछ पोर्शन फिक्स है और इसमें कुछ पोर्शन वेरिएबल है आगे तो सर अभी कैसे आएगा लाइटिंग का खर्चा सर टेलीक्युनिकेशन कैसे आएगा समझ में नहीं आ रहा सर सर रिपेयर मेंटेनेंस कैसे आएगा नहीं बताते आ रहा है क्योंकि ना ये पर यूनिट सेम है ना ये टोटल सेम है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है जी हां ओ मेरे भाई कुछ भी कैलकुलेट मत करो आज अपने को इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है डोंट कैलकुलेट एनीथिंग एक लाख आएगा या पचास हजार आएगा या वॉट कुछ भी कैलकुलेट मत करो आप अटके या नहीं अटके ये बताओ सर ये कैलकुलेशन करने में सेमी वेरिएबल कॉस्ट में लाइटिंग का टेलीकम्युनिकेशन का एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्योंकि सर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इसमें कुछ पोर्शन फिक्स है वो हमें निकालना पड़ेगा कुछ पोर्शन वेरिएबल है वो हमें निकालना पड़ेगा अरे हा या ना बोलो हा या ना तो हम लोग नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे सर बोलो जी सर ये क्वेश्चन मार्क हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया सर वेरिएबल होता था तो इजीली कैलकुलेट करते आ गया फिक्स तो एकदम ही इजी था सर सेमी वेरिएबल में अटक गए ना सर स्टक्ट जी हां गाइज so, डरने का नहीं क्यों नहीं डरने का क्योंकि इसके लिए यस yes, सर अब पढ़े सर अब पढ़िएगा कल का क्या इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है जहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भर भर के हम लोग जी आ, सर पढ़ो पढ़ो पीछे तो देखो पीछे क्या लिखा हुआ है सेग्रीगेशन ऑफ जी हाँ सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स एंड वेरिएबल जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसका फिक्स्ड और वेरिएबल में आपको बाइफरकेशन करने का है और क्यों करने का है भाई लॉजिकली समझो किसी को अगर कोटेशन देना है तीस हज़ार यूनिट का पचास हज़ार यूनिट का साठ हजार यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट आ गया कैलकुलेट करते फिक्स कॉस्ट आ गया कैलकुलेट करते सेमी वेरिएबल कॉस्ट में अटक गया मेरे भाई तू क्यों अटक गया क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन वेरिएबल है और कुछ फिक्स है तो हमें कोई तो भी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा और वो मेथड अप्लाई करके सेमी वेरिएबल कॉस्ट का वेरिएबल एंड फिक्स में बाइफरकेशन करना पड़ेगा तो ये हम लोग जो मेथड्स है वो कल देखने वाले हैं ठीक है सर मेथड में पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड 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 लेवल ऑफ एक्टिविटी पॉइंट लीस्ट एंड एनालिटिकल तो कल का जो पार्ट है वो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है जी हाँ सो so, क्या क्यों ये रीजन है सर जी डायरेक्टली मेरे लिए तो बहुत ईजी था सर मैं डायरेक्ट बोल सकता था हां भाई अभी क्या करने का सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में बायफर्केट करने का अरे भाई क्यू समझना लॉजिक समझेगा तो समझेगा कंसेप्ट इसलिए करने का भाई मुझे कोटेशन देने का है बंदे को तो सेमी वेरिएबल का वेरिएबल और फिक्स में जानना जरूरी है तो ये जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं आई होप सो आई यानी मैं आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको तोड़ समझ में आया रहेगा ठीक है लाइक एंड शेयर करते रहिएगा गाइज जो भी आपके फ्रेंड्स है अगर आपको इसका बेनिफिट हो रहा है ठीक है सो so, यस yes, जी हाँ सर जी सो थैंक यू सो मच गाइस एंड आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया उसका एक एक मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं एंड विल स्टॉप गाइस गाइस आज हम लोगों ने कल के लेक्चर का रिवीजन किया उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है देन हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड के एग्जाम्पल्स देखे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के एग्जाम्पल देखे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के एग्जाम्पल्स देखे ठीक है इंडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको जो है वो हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया उसके बाद हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किया कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट उसमें पहला पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है बिहेवियर बिहेवियर में बिहेवियर में सबसे पहले वेरिएबल है देन फिक्स है देन सेमी वेरिएबल है जो पर यूनिट सेम है वो वेरिएबल है जो टोटल सेम है वो फिक्स है सेमी वेरिएबल में दोनों का बिहेवियर आता है तो यहां तक मैंने कंप्लीट किया है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में बाइफ्रिकेशन करने के मेथड्स देखेंगे और आगे का थियरी देखेंगे सो थैंक यू सो मच गाइज सी इन द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर ऑल अब जो है डाउट सेशन गाइज एक फाइव मिनट्स आई वेट टू थ्री मिनट्स आई वेट आज के लेक्चर का या कल के लेक्चर के अंदर जो जो आपको डाउट्स है वो आप बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं अगर आपको डाउट नहीं है ठीक है सो so कोई इशू नहीं है सर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन मिलेंगे जी हाँ लाइक एंड शेयर करते रहिएगा फटाफट फड़ से गाइज चलो सो so, पहला डाउट फटाफट फड़ से डाउट पूछिएगा आई एम रेडी फॉर योर डाउट्स हाँ जी सर जी अरे डाउट पूछो बिंदास सर जी बुक्स का जो डिटेल है वो ऑलरेडी मैंने कल दे दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था बुक्स डिस्पैच जो है वो ट्वेंटी एथ के बाद ट्वेंटी एथ ऑगस्ट के बाद जो है वो डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगा तीन बुक्स आपको मिलने वाले हैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट वन एंड पार्ट टू आपका क्लास वर्क है पार्ट थ्री जो है वो आपका कंसेप्ट बुक है ओके ये बुक्स जो है वो आपका डिस्पैच ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी से मंडे से जो है वो आपका बुक्स डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगा विद इन टू टू थ्री डेज जनरली पहुँच जाता है या नेक्स्ट वीक में चलेगा तब तक पी तो है ही चलो नेक्स्ट एम सी क्यू आएगा सर एम सी क्यू भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन एम सी क्यू आएगा सर जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फटाफट फड़ से अगला क्वेश्चन पूछिएगा थेरी भी पाँच मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं लेकिन ज़्यादा चांसेस है एमसीक्यूज सी जाए क्योंकि सर अभी वो जो प्रेडिक्शन करना गलत है जो है वो है वो अपने को करना है सर तो ये प्रेडिक्शन पॉसिबल ही नहीं है सर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है कि अभी पेपर एग्जैक्टली कैसे आएगा तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया थर्टी मार्क्स का जो है वो एमसीक्यूज आएगा बाकी प्रैक्टिकल आएगा तो थेरी भी उसमें ऐड हो सकता है चलेगा हाँ आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स अराउंड फर्स्ट टेन लेक्चर्स विल बी ऑन यू उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम दस लेक्चर्स तो रहते ही रहते यूट्यूब पे चलेगा नेक्स्ट डाउट निगेटिव मार्किंग भी होगा क्या सर इंस्टीट्यूट ने इंफॉर्मेशन सब दे दिया इसके बारे में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है थर्टी मार्क्स का जो है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे फैकल्टी ने ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है अब कॉस्टिंग के बारे में डाउट पूछिएगा गाइस आज के लेक्चर के बारे में डाउट पूछिएगा सो आई गेस सो देर आर नो डाउट्स आपको सब अच्छे से समझ में आ रहेगा जी अब बाय बाय पंकज जी चलेगा स्टिल इफ देर आर एनी डाउट यू कैन आस्क कल का लेक्चर तोड़ इंपॉर्टेंट है कल के लेक्चर के अंदर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग कवर करने वाले चलो आई होप आई गेस डाउट्स नहीं है समझ में आया है और गाइस जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया है उसके नीचे जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहां पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे जी हाँ बाय बाय गुड डे गाइज थैंक यू सो मच जी हाँ चलो साइन आउट करो गाइज डाउट नहीं है काफ़ी सारे स्टूडेंट को चलो थैंक यू सो मच गाइज मिलते हैं कल